हेलो एवरीवन वेलकम टू जीके टुडे दिस इज आरजू कक्कर सो शुरू करते हैं आज के सेशन को लेकिन आज के सेशन में आपको जो भी आपने इम्पॉर्टेंट अक्टूबर के मंथ में करंट अफेयर्स किए हैं तो उनका एक कंपाइलेशन होगा सो है यू विल बी गेटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर इन अ सिंगल वीडियो इधर उधर अब कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ एंड फॉर ऑल दो आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो दे कैन गेट इट ऑन जीके टूडेज न्यू चैनल दैट इज जीके टूड टू द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन

वो है यूनेस्को ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहाँ पर यूनेस्को ने इस लिस्ट को रिलीज किया है नेम क्या है उसका हैंडमेड फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल ठीक है तो यहाँ पर जैसे तमिलनाडु की तोड़ा एम्ब्रॉयडरी हो गई और हैदराबाद की हिमरू वीव्स ठीक है उड़ीसा से जैसे डाई वीविंग तो ये सब जो है दे आर सम ऑफ द क्राफ्ट दैट आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं एज अ एज पर रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट वट परसेंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस कैन फॉल डाउन इफ द हायर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स अगर गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए तो कितना परसेंटेज है कि चाइल्ड मैरिजेस जो है फिर वो कम होंगी दे विल फॉल डाउन कितने परसेंट से ये यूनिसेफ के रिपोर्ट के हिसाब से पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का एडुकेशन हायर एडुकेशन परसेंट चाइल्ड रिपोर्ट ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टेक्नोलॉजी मेजर रीजन इन ग्रीस तो इनमें से वो कौन सी टेक्नोलॉजी मेजर है जिसने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेगी इट्स फर्स्ट क्लाउड रीजन इन द ग्रीस वो कंट्री जो कि बहुत एफर्ट्स कर रही है टू बिकम द वर्ल्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग हब तो वो टेक्नोलॉजी है गूगल मेजर मेजर टेक्नोलॉजी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है गुरम जैशुआ हु वॉज ऑल्सो नोन एज पीपल्स पॉइट इज फ्रॉम विच स्टेट सो द पर्सनैलिटी इज फ्रॉम विच स्टेट क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बर्थ एनिवर्सरी थी अभी द चीफ मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट ऑल्सो टू पीपल्स पोइट गुर्रम जयशुवा आंध्र प्रदेश सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुर्रम जयशुवा जो है यूज वर्सेज पोएट्री मतलब उन्होंने अपनी पोएट्री से यू कैन से एक एक ऐसा वेपन उन, उनकी पोइट्री एक ऐसा वेपन रही है जो कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है अनटचेबिलिटी जो होती थी उसको इरेडिकेट करने के लिए उन टाइम्स में कि वो नहीं हो ठीक है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया पोवर्टी हो गया इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज तो ही ऑल्सो फोर्ट अगेंस्ट ऑल दीज सोशल दैट एग्जिस्टेड अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच यूएस स्टेट इंडिया ने इनमें से कौन सी यूएस स्टेट के साथ पार्टनर किया है फॉर जीरो एमिशन व्हीकल्स पॉलिसी प्रोग्राम ऑप्शन चार हैं आपके सामने अगर आपको दिख रहा है कैलिफोर्निया तो बिल्कुल सही आंसर है कैलिफोर्निया ने एंटर किया है कोलैबोरेशन में इंडिया के साथ किस लिए फॉर एन इनोवेशन किस फील्ड में जीरो एमिशन व्हीकल जहां पर आ, एम है टू सपोर्ट दी जीरो एमिशन अपटेक इन इंडिया आ, जो ई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन इंडस्ट्री ईवी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है उसको कैसे आप आगे लेकर जाएंगे उसकी डेवलपमेंट की बात होगी और इंडिया जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में वहाँ पर भी इंडिया को कंट्रीब्यूट किया जाएगा सपोर्ट किया जाएगा ठीक है तो ये सब कुछ है और यहाँ पर जीरो एमिशन व्हीकल रिसोर्स सेंटर सेटअप करने की भी बात करी जा रही है एज अ पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ देखो ये जो सेशन होता है इनका एजेंडा क्या है एजेंडा है कि बात अक्टूबर में आपने सारे सेशंस ऑलरेडी सारी डेली क्लासेस ले रखी होंगी तो वापस से आपकी रिवीजन हो रही है यहां पर ये चीज न्यूज में क्यों थी वो वो नहीं बात करी जाती वो आपको डेली सेशंस हम लेते हैं ना सुबह सात बजे आपको मिल जाता है है सेशन वहां पर होता है। और उसी का एक रिविजन है जो बच्चे डेली वो सेशन कवर कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं उन सेशन में तो आपकी दोबारा से रिविजन हो जाएगी कि अब सारे लेक्चर आपको दोबारा खोल के नहीं देखने पड़ेंगे ये एजेंडा है इस सेशन का ठीक है तो जो Important important points हैं उस न्यूज से रिलेटेड वो मैं यहां कवर करती हूँ लेकिन अगर आपको किसी भी न्यूज के डेप्थ में जाना है तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि सारे सेशन जो डेली होते हैं सात बजे वो जरूर देखा करो ठीक है कोई भी चीज किसी का सब्सटीट्यूट नहीं है ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू प्रमोट संस्कृत तो संस्कृत को प्रमोट करने के लिए आई सी सी आर ने पार्टनर किया है कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ बताइए तो यहां पर इट विल बी फॉर ट्रांसलेटिंग संस्कृत लिटरेचर टू मेनी अदर लैंग्वेजेज ऑल्सो और भाईसा वर्सा भी होगा तो पार्टनर किया है गूगल के साथ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है कि एक स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि वो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन जो है वो फॉर्म करेंगे स्टेट प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके तो विच स्टेट अनाउंस टू फॉर्म स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन टू रिप्लेस स्टेट प्लानिंग कमीशन तो वो स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम है बेसिकली ये प्रपोजल है कि वो एस टी सी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन अनाउंस करेंगे स्टेट प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग जैसे है ना वैसे ही उन्हीं लाइंस पे उसी पैटर्न पे वो फॉर्म करना चाहते हैं एक थिंक टैंक बेसिकली जो गवर्नमेंट की होगी वैसे ही जैसे नीति आयोग का काम रहता है वैसे ही उसी प्लेटफॉर्म उसी बेसिकली पॉलिसी के हिसाब से उसी पैटर्न के हिसाब से दे विल आ, दे, दे विल दे रिकॉग्नाइज एंड दे विल रिफॉर्म स्टेट प्लानिंग कमीशन इनटू स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ठीक है यूपी अगला क्वेश्चन देखो क्या है इनमें से कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी है आ, तो द दर्सनैलिटी हैज़ वन द चेंज मेकर अवार्ड एट दू एन एस डी जी एक्शन अवार्ड्स तो बताओ क्या है इसका सही आंसर तो so बेसिकली जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ट्रेवल किया था थर्टी एट हंड्रेड किलोमीटर अराउंड द कंट्री एक साल से भी कम में ताकि वो अवेयरनेस रेस कर पाए अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वॉयलेंस इनइक्वालिटी इन सब के लिए तो उनको ऑनर किया गया उनका नाम है सृष्टि बख्शी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कौन सी स्टेट है विथ स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म तो वो स्टेट कौन सी है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन घूमने गए हो उत्तराखंड गए हो तो ऑप्शन सी उस क्वेश्चन का सही आंसर है चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से बिजनेस पर्सन है जिन्होंने टॉप किया है आई आई एफ एल वेल्थ इंडिया फोर्टी अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू जीरो फाउंडर, चलो ये आपके लिए हिंट है अब बता दो कौन है इसमें से जीरो दा के फाउंडर उन्होंने ही टॉप किया है निखिल कामत ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इनकी नेटवर्थ है सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड प्लेस पे कौन है तो ओला के फाउंडर उनका नाम क्या है उनका नाम है भवेश अग्रवाल ठीक है तो किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो तो ऑप्शन ए कार्बन कैलकुलेटर फीचर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी बताइए कार्बन कैलकुलेटर फीचर जो है वो एसोसिएटेड है कौन सी कंपनी uh, के साथ तो यहाँ पर बेसिकली एक पर्सनलाइज कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकर जो है वो लाया जा रहा है जो कि कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करेगा अबाउट देयर कार्बन फुटप्रिंट देयर दे इफेक्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट अक्रॉस देयर मंथली स्पेंडिंग कैटेगरीज तो यहाँ पर मास्टर कार्ड जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के हिसाब से विच सिटी हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट इन डी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022 लगातार वो सिटी क्लीनिनेस सिटी है और फॉर डी सिक्स्थ टाइम अब तो आंसर पता चल गया होगा इंदौर और इंदौर जो है बेस्ट परफॉर्मिंग रही है क्लीनिनेस क्लीनेस्ट सिटी फॉर डी सिक्स्थ टाइम और उसके बाद सूरत फिर उसके बाद नवी मुंबई स्टेट कैटेगरी में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश जो है उसने फर्स्ट पोजीशन ली है उसके बाद छत्तीसगढ़ उसके बाद महाराष्ट्र ठीक है ये ऑर्डर है इंदौर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड रन बिटवीन विच सिटीज तो कौन सी दो सिटीज हैं द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो जो इनोग्रेट करी गई वो रन करेगी बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद ऑप्शन नंबर बी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलो बताओ क्या प्रोसेस है ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड देखो जैसे आप पेमेंट करते हो अमेजोन पे करते हो कभी शॉपिंग जिनको ऑनलाइन शॉपिंग बहुत का शौक हो जब आप पेमेंट करते हो तो आपको पूरे अपने कार्ड की डिटेल्स मेंशन करनी रहती है वो सिक्सटीन डिजिट डिजिट का नंबर हो गया एक्सपायरी हो गया जो डेट होती है सीवी सब कुछ लिखते हो ठीक है अब क्या है जैसे जैसे चीजें आप हम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ एक थ्रेट भी है साथ में वी हैव सीन दैट सो उस थ्रेट को अब हटाना है थ्रेट ऑफ बीइंग क्रेज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव नहीं है जिसने कार्ड दिया है वो तो ऑब्वियसली उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर नहीं करे तो वो ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स की जगह आप एक टोकन नंबर डालोगे वो टोकन नंबर आपको दिया जाएगा बाय द बैंक और कैसे दिया जाएगा तो वो अलग बात है लेकिन वो एक अल्टरनेटिव कोड है जिसको टोकन बोला जाएगा वो ऐड करो जो कि अपने आप में एक यूनिक कोड होगा जो कि आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा अब आप अगर आप मान लो सैमसंग के फोन से अगर कुछ खरीद रहे हो कोई शॉपिंग कर रहे हो तो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा आप वो ये, ये सब की जगह वो एक ऑल्टरनेटिव टोकन नंबर डालो फिर उसके बाद अगर आप कहीं किसी और दूसरे डिवाइस से शॉपिंग कर रहे हो तो आपको वापस से वो टोकन नंबर यूज नहीं करना एक नया टोकन नंबर जनरेट होगा आपके लिए वो मिलेगा तो इस तरीके से अगर कोई टोकन नंबर तो तो। तो तो उनकी प्रोटेक्शन भी होगी पूरा प्रोसेस जो है इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि यहां टोकन मिल रहा है ना ये टोकन ऑल्टरनेटिव कोड तो वहां से इस प्रोसेस का नाम आया है टोकनाइजेशन ऑप्शन बी एज पर दू जी सी गाइडलाइंस वी परसेंटेज लिमिट ऑफ सीट्स फॉर फॉरन स्टूडेंट इन दायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से कितना परसेंटेज लिमिट जो है वो बिठाया है ऑफ द सीट्स फॉर फूर फॉरन स्टूडेंट्स ट्वेंटी एद में रख लेना ट्वेंटी सुवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ये रिवर जो है सुकपाइका रिवर पाइक uh, रिवर ये कहां पर है कौन सी स्टेट में है ये बताइए जरा उड़ीसा में तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम अब कब ऑब्जर्व करते हैं इनमें से एक डेट है आप बता दो क्या है मैं इतना आपको थीम बता देती हूँ आप सोचो सोचो सोच लिया सोच लिया है, तो एक मिनट के लिए और सोचो क्योंकि थीम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है रिजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड ये है थीम कब ऑब्जर्व किया जाता है एक अक्टूबर को तो इसीलिए हर साल एक अक्टूबर को फर्स्ट अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व थीम याद में रख लेना इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस टू द ग्लोबल मार्केट एज ऑफ ट्वेंटी 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 टू वो कंट्री है कौन सी हमारा प्यारा भारत इंडिया ठीक है अगला क्वेश्चन है एनोफिलिस्टेंसी विच वॉज सीन इन द न्यूज ये स्पीशीज है ये एसोसिएटेड है विद विच डिसीज डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया टोमेटो फ्लू मलेरिया तो ये याद में रखना एनोफिलिस्टेफेंसी किससे एसोसिएटेड है मलेरिया से ये बड़ा बड़ा लिख रही हूं ताकि ये माइंड में फिक्स हो जाए अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से विच कंट्री साइंटिस्ट हैज बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन बताओ जस्ट सेकंड आप सोचो नाम बता दिया मैंने उनका अच्छा इंडिया आंसर भी हो गया तो इंडिया इस क्वेश्चन का आंसर है इन विच कंट्री साइंटिस्ट है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कहाँ पर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम भी क्या है वो भी याद में रख लो डॉक्टर ए के अनिल कुमार तो अनिल कुमार डॉक्टर डॉक्टर अनिल कुमार जो है वो उनका नाम है तो ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर स्वच्छ भारत दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन है सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है सेकेंड ऑफ अक्टूबर को हर साल वी सेलिब्रेट स्वच्छ भारत दिवस अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज मिनिमम नेटवर्थ ऑफ आर आर बी मतलब रीजनल रूरल बैंक ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इशू करी उसके हिसाब से आर आर बी जो है वो एलिजिबल होंगी कि वो फंड्स रेज कर एक्सचेंज uh, अगर अगर क्या उनकी नेटवर्थ मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए 300 करोड़ ऑप्शन सी 300 करोड़ इज द राइट आंसर इसके साथ साथ दो रिक्वायरमेंट्स और हैं कैपिटल एडोकेसी रेशियो 9 परसेंट होनी चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीवियस थ्री इयर्स थ्री इयर्स की बात कर रहे हैं और रिकॉर्डेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट फिफ्टीन करोड़ होना चाहिए ठीक है ऑफ द मिनिमम ऑफ द थ्री आउट ऑफ प्रोसीडिंग फाइव ईयर्स ठीक है तो ये कुछ नॉर्म्स हैं अच्छा किसको अपॉइंट किया गया है एज दी सी ऑफ माई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी इनमें से कौन से आई एस हैं वो आकाश त्रिपाठी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया एक लिंक फाउंड किया है बिटवीन द मेल्टिंग आइस इन विच रीजन एंड द रेट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन बताइए सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से वो कौन से रेसिंग ड्राइवर है विच रेसिंग ड्राइवर दी वन दी फॉर्मूला वन सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी आप सोचो प्लीज एक सेकेंड पानी ऑप्शन hmm. सी इस क्वेश्चन का सही आंसर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर विच स्टेट सेलिब्रेट भेड़ माता मेला फेयर एनुअली बताइए जो रड़ी कम्युनिटी है नो मैट फॉलो हु रेन इन द सर्च ऑफ मतलब कैटल पैस्टर्स गुजरात राजस्थान यूपी के अंदर तो ये कम्युनिटी है भेड़ माता इज अ गॉडेस ऑफ द uh, कम्युनिटी तो यहाँ पर मैंने जो कुछ स्टेट्स के नाम लिए हैं तो वहाँ से आपको पता चल गया है कि कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है एनुअली इस फेस्ट इस मेला को वो है गुजरात ठीक है तो कैमल फेयर आप बोल सकते हो इस सेलिब्रेटेड दिस एनुअल भेड़ माता मेला द कैमल फेयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द विलेजेस जहाँ पर नोमैड कॉम्युनिटीज रिजाइड करती हैं जैसे कि भुज इन कच्छ गुजरात में ठीक है अगला क्वेश्चन देखो कौन सी कंट्री ने स्क्रैप किया है द प्रपोजल टू कट टैक्स फॉर द देल्दी इसमें हमारा इंडिया नहीं है आप बताओ इसका आंसर क्या है यूके तो यूके है प्रपोजल टू कट टैक्स फॉर देल्दी कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट आईटी मिनिस्टर्स वो स्टेट का नाम है न्यू दिल्ली ऑप्शन बी जहां जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन uh, की जरूरत होगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी टेंशन मत लेना ठीक है विच कंट्री विच वॉज हिट बाई द इकोनॉमिक क्राइसिस है स्लैश द टैक्सेज ऑन फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट वो कंट्री का नाम है श्रीलंका ऑप्शन बी तो यहां पर श्रीलंका ने सो एज टू हेल्प दुम सो एस टू हेल्प द गर्ल्स जो कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड बिकॉज ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस तो यहां पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने स्लैश किए हैं टैक्सेस ऑन फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट्स ठीक है अगला क्वेश्चन कहता है कि एज पर गवर्नमेंट डेटा वट परसेंट ऑफ हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना दे आर ओन बायमेन सिक्सटी नाइन परसेंट ऑफ द हाउसेज अंडर डेटा कंस्ट्रक्टेड अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना दे आर ओन बाय विमेन

ठीक है ताकि इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेटिव इंडियन सो इस पर्टिकुलर अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके पास रेसिपियंट कौन कौन रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए जैसे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम और रतन uh, टाटा तो ये सब कुछ uh, नाम है दीपक चोपड़ा दे आर अमंग द दास्ट रेसिपियंट ऑफ द ग्लोबल इंडियन अवार्ड ठीक है अनिल अग्रवाल श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम तो सुना होगा आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो जिनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई रिसेंटली ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं कौन सी कंट्री से बताओ गुजरात में ही वॉज बॉर्न 1857 में 1930 में ही पास्ड अवे इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में ठीक है अब बताइए गुजरात

भारत स्किल फोरम को लॉन्च किया गया अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रिन्योरशिप सो डी जी टी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने लॉन्च किया भारत स्किल्स फोरम एक नया फीचर है जो कि अलाउ करेगा शेयरिंग ऑफ बुक्स नोट्स वीडियोज क्वेश्चन बैंक फॉर दी लर्नर्स ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है छोराबारी ग्लेशियर ग्लेशियर लेक रीजन ये लोकेटेड है कौन सी स्टेट में इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट चार ऑप्शंस हैं आपके सामने अगर आप जल रहे हो उत्तराखंड तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अभी हम उत्तराखंड में ही थे पहले भी मतलब अभी इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन डिस्कस किया था द वाइल्ड लाइफ वीक इज बींग सेलिब्रेटेड इन विच मंथ कौन से मंथ में होता है मैडम अक्टूबर की कंपाइलेशन कर रहे हैं अक्टूबर तो में ही होगा अक्टूबर में ही है वाइल्ड लाइफ वीक जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर ताकि हम वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करें इसका ये जो अवेयरनेस है ये लोगों तक पहुंचाई जा सके अगला क्वेश्चन देखो क्या है मैं पढ़ देती हूं एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री कौन सी स्टेट रजिस्टर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन 2021 बताइए वो स्टेट कौन सी है अगर आप सोच रहे हो वो स्टेट महाराष्ट्र है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु जहां पर 1.23 मिलियन फॉरेस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स जो विजिट्स होती हैं रिस्पेक्टिवली फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स डिक्रीज हुए हैं बाय 44 परसेंट टू 1.52 मिलियन 1.52 मिलियन 2021 के अंदर इंडिया की रैंक अगर मैं बताऊं ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 2021 में तो वो रही है फोर्थ ठीक है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है सत्य निष्ठा एप्लीकेशन फॉर द स्टेट पुलिस वो स्टेट क्या है वो आप बताओगे जहां पर ये एप्लीकेशन पुलिस को हेल्प करेगी एक डेटाबेस प्रिपेयर करने में क्रिमिनल्स का एंड दे विल स्टडी द वेरियस ऑफेंसेस जो होते हैं अंडर डिफरेंट पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो वो स्टेट आ, है हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है सत्य निष्ठा एप्लीकेशन वहां की स्टेट पुलिस के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है फॉर वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स कौन सी स्टी सिटी में वो सिटी कौन सी है अहमदाबाद अहमदाबाद ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये प्लेटफॉर्म एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है द प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स ये बूस्ट करेगा इनोवेशन को स्टार्टअप एफर्ट्स को वुमेन ऑन्टरप्रेनोर्स की और उनको कनेक्ट करेगा वुमेन ऑनटरप्रेन्योर्स को विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑंटरप्राइजिस गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से कौन सी स्टेट है दैट हैज दाइस्ट गैप इन दी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन 2020 ट्वेंटी सीधा आंसर पे आती हूँ छत्तीसगढ़ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया हैंडेड ओवर इंडिजीनियसली प्रोड्यूस मोटर बाइक्स कौन सी कंट्री को एज अ पार्ट ऑफ बाइलेट्रल असिस्टेंस बताइए बताओ लेबिन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कौन सी टर्म यूज करी गई है टू डिफाइन पीपल जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन मैच द आइडेंटिटी असाइन टू देम एट बर्थ मतलब आपके बर्थ पे आपको एक आइडेंटिटी असाइन करी होगी ना मेल फीमेल जैसे होती हैं तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपको असाइन करी गई ठीक है आपके जेनिशल्स के आ, को के हिसाब से आपको जो आइडेंटिटी असाइन करी बाद में क्या होता है वो होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो जैसे हम आ, बड़े होते हैं तो हमारा आ, जो हमारे भाव होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी को मैच करते हैं या नहीं करते कभी कभार नहीं करते हैं फ्रॉम द जेनिशल्स वी जैसे एट द बर्थ आपकी आइडेंटिटी थी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है बेस्ड ऑन जैसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो कि यू आर मोर टिलटेड टूवर्ड्स मेल और फीमे फीमेल कैटेगरी ठीक है तो यहाँ पर अलग अलग नाम होते हैं तो वो टर्म जो कि यूज करी जाती है उन लोगों को डिफाइन करने के लिए हुज जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन मैच दी आइडेंटिटी असाइन टू देम एट बर्थ अगर आपको जो बर्थ पे आइडेंटिटी दी गई थी वही आइडेंटिटी मैच करती है विद uh, एक्सप्रेशन मतलब जैसे आप बड़े हुए हैं तो वहां पर वो टर्म यूज होती है सिस ठीक है तो ये एक टर्म है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है तो जैसे आप बोल दोगे कि सिस मेल सिस फीमेल और अगर आपकी आ, जैसे ट्रांसजेंडर है तो अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करूँ तो ट्रांसजेंडर के केस में क्या होता है जो उनकी देयर सेंस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी वो मैच नहीं होती डज नॉट मैच द वन असाइन टू एट बर्थ तो जो उनके बर्थ पे उन्हें असाइन करी गई थी वो नहीं मैच होती तो जैसे जैसे एज जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी है जो उनके बर्थ पे मिली वो उनको वो उनकी मैच नहीं होगी विद द विदप्रेशन मैच और वही केस है हैिस uh, जेंडर के साथ उल्टा है सिस मतलब सेम होता है तो सेम मतलब जो आइडेंटिटी आपको बर्थ के टाइम पे असाइन हुई थी वही आइडेंटिटी मैच करती है विद योर य तो यहाँ पर हो गया सेम मैन सिमेन तो ये टर्म यूज होती है काफी ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से हम यूज करते हैं पी आर श्रीजेश एंड सविता पुनिया जिन ये तर, ये जो नाम है ये न्यूज में रहे हैं ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है हॉकी से एसोसिएटेड है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि 2026 के अंदर कौन सी कंट्री होस्ट करेगी कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी ठीक है ऑपरेशन चक्र जो न्यूज में रहा रिसेंटली यह एसोसिएटेड है कौन सी से इंस्टीट्यूशन से सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट रिसर्चेज अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स जो कि इन्वॉल्व है फाइनेंशियल क्राइम्स में तो उसी से एसोसिएटेड ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र ठीक है सीबीआई कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एक तो ये याद में रखना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस produce करने वाली और कंज्यूमर कंज्यूम consume करने वाली तो वो कंट्री जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कंज्यूमर भी है शुगर की तो 2021-2022 के हिसाब से वो कंट्री है इंडिया तो ये आपको ध्यान में रखना है एक्सपोर्टर नहीं है एक्सपोर्टर है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लार्जेस्ट कंज्यूमर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सेकेंड लार्जेस्ट तो इंडिया का जो शुगर एक्सपोर्ट है वो बड़ा है फिफ्टी सेवन परसेंट से टू वन जीरो नाइन पॉइंट एट लैख टन ठीक है तो ये आप याद में रख लेना इंडिया ओके बाल्टिक पाइप नेचुरल गैस पाइपलाइन लाइन विच वॉज रिसेंटली ओपन ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस टू विच कंट्री वो कंट्री का नाम है पोलैंड ऑप्शन बी इसी के साथ साथ एक चीज बताती हूँ वेरियस पाइपलाइंस जो न्यूज में रही हैं साल भर में जो इंपॉर्टेंट है विद मैप इन डिटेल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैटेगरी वाइज वीडियो के अंदर तो टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे वो जाकर देख लेना इंपॉर्टेंट है और अभी लास्ट ही है जो मतलब अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैंने पाइपलाइन जो वेरियस पाइपलाइंस न्यूज में थी वो कवर करी थी

फ्टर द डेथ ऑफ चिल्ड्रेन इज इन विच कंट्री बताइए गैम्बिया ऑप्शन सी ठीक है विच कंट्रीज ऑस्ट्रोनॉट हैज लॉन्च वॉज सॉरी विच कंट्रीज ऑस्ट्रोनॉट वॉज लॉन्च फ्रॉम द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी इयर्स इन अ स्पेस एक्स रॉकेट तो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा हो उसके बावजूद भी तो यहां पर आंसर है रशिया ही तो रशिया के जो एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया गया फ्रॉम दू एस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ट्वेंटी ईयर इन स्पेस एक्स रॉकेट विच इंस्टीट्यूशन स्लैश द ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ टू वन परसेंट डब्ल्यू डीओ करेक्ट ऑप्शन सी विच सिटी इज द द्वार्टर ऑफ द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हेडक्वार्टर कहा है जब भी हम अच्छे से कवर करते हैं इन डिटेल में डेली न्यूज एनालिसिस में uh, जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं तो उसके अराउंड सारी कहानी हम डिस्कस करते हैं तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट होते हैं वेना ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन देखो जरा कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट है ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फिफ्थ असेंबली इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो द कंट्री विच इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फिफ्थ असेंबली ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज इंडिया ऑप्शन बी ठीक है हेडक्वार्टर बता सकते हो अगर बता सकते हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताना कहां पर हैडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पता इंडिया में ही हो सरना रिलीजियस कैटेगरी विच इज बी डिमांडेड बाई द्राइबल ग्रुप्स कम अंडर विच रिलीजन हिंदू इस्लाम क्रिस्टियानिटी या फिर नो no रिलीजन नो रिलीजन एक्चुअली इज दी आंसर ऑप्शन डी तो बेसिकली बात ये है कि जो ट्राइबल बॉडीज ये जो है ये फ्रॉम झारखंड दे थ्रेटन टू लॉन्च एजुटेशन कि उनकी ये डिमांड है कि एक डिस्टरिंग रिलीजियस कैटेगरी सरना जो है वो उनकी डिमांड है ये जो पीपल है दे नेचर वर्शिप नेचर वर्शिपर्स हैं ये ये दे आर ना इधर हिंदूज नॉर मुस्लिम्स नॉर क्रिश्चियंस तो ये मतलब उड़ीसा बिहार झारखंड असम वेस्ट बंगाल में दे आर रिजाइडिंग इन टू फिफ्टी ब्लॉक्स ऑफ फिफ्टी डिस्ट्रिक्ट सभी स्टेट्स में ठीक है तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंडर फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन के हिसाब से व्हाट इज द लिमिट अप टू तो विच एयरलाइंस कैन अवेल द लोन अंडर दीम ई सी एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम Eclgs, एयरलाइंस कैन अवेल लोन ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ ऑप्शन बी ओके शस्त्र रामानुजन प्राइस हु इज रेसिपियंट ऑफ दिस रामानुजन प्राइस फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू बताइए युनकिंग टैंग ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है असिस्टेंट प्रोफेसर विद य यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तो यहाँ पर ये जो प्राइस है ये एनुअली दिया जाता है इंडिविजुअल्स को जिनकी एज थर्टी टू या उससे बिलो हो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मैथमेटिक्स में ठीक है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय श्रीनिवासन ठीक है तो यहां से एसोसिएटेड है अब ऑप्शन सी आंसर पता चल गया है इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर पहाड़ी कम्युनिटी ये ट्राइबल कम्युनिटी है कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में बताइए जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है एक कि इनिशिएटिव जिसका नाम है दक्ष दक्ष इनिशिएटिव लॉन्च किया है किसने आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है ठीक है तो जो कि प्रोसेस को और ज्यादा रोबस्ट बनाता है जहां पर आरबीआई मॉनिटर कर सकता है दूसरे बैंक्स को और इट कैन इंप्रूव दर्फॉर्मेंस इंप्रूव कल्चर इन जैसे बैंक्स, एनबीएफसी तो इसी के चलते हमारा आंसर होता है आर अगला क्वेश्चन कहता है कि कुनो नेशनल पार्क जहां पर चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है कहां पर लोकेटेड है बताओ वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसी के साथ देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपने तो पढ़ भी लिया होगा मुझे लगता है पढ़ लिया प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 केम इनटू इफेक्ट इन विच स्टेट तो वो स्टेट है कौन सी अगर आप सोच रहे हो तमिलनाडु तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है आफ्टर द प्रपोज सेल ऑफ स्टेक इन आई बैंक कंबाइंड शेयर होल्डिंग बतानी है वट वुड बी दी कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ एल दी गवर्नमेंट वो होगी थर्टी फोर परसेंट ठीक है कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज कर रहा है कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जो कि एक लीगल टेंडर होगा आप तो पता चल गया लीगल टेंडर कौन इशू करता है इशूड बाय सेंट्रल बैंक आरबीआई इन दी डिजिटल फॉर्म जैसे हम आरबीआई क्या करते हैं मनी प्रिंट करते हैं प्रिंटिंग होती है जैसे एक लाख दो लाख प्रिंट करना है आपको उसके बाद कुछ अमाउंट जो है वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होगा डिजिटल करेंसी होगी जैसे अब वर्चुअल वैसे नहीं होगी क्रिप्टो करेंसी जैसे आप सोच रहे हो क्योंकि वो क्या है उसको लीगल टेंडर स्टेटस नहीं है ठीक है तो यहां पर वो लीगल टेंडर स्टेटस उसको मिला हुआ है और ये ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये इट इज सेम एज मनी यहाँ पर आपको वॉलेट मिलेंगे वो जैसे वॉलेट में होती है ना डिजिटल करेंसी तो वैसे वॉलेट होंगे जिसके अंदर यूजिंग द वॉलेट्स ये इस करेंसी के अंदर इट कैन बी ट्रांजेक्टेड ब्लॉक चेन बेस्ड है ये ठीक है चलिए तो आरबीआई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है विडा वी वन बताओ आंसर क्या है अगर आंसर आप सोच रहे हो हीरो मोटरकॉप तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी वर्ल्ड कॉटन डे की थीम पूछी गई है क्या है वर्ल्ड कॉटन डे की थीम कब होता है वर्ल्ड कॉटन डे सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को क्या थीम है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन ऑप्शन ए इंडियन नेवी ने साइन किया है एक एग्रीमेंट ऑन वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कौन सी कंट्री के साथ ताकि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करी जाए इन दी किसमें में टाइम डोमेन में तो दूसरी कंट्री कौन सी है वो जिसके साथ साइन किया है ये एमओयू न्यूजीलैंड के साथ ऑप्शन डी एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू वट इज दिमेटेड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया कितना है तीन परसेंट ऑप्शन बी विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड देर फंक्शनिंग इन इंडिया कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और उनकी फंक्शनिंग को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑप्शन बी अच्छा कौन होस्ट है विच इज द होस्ट ऑफ दिनिस्टीरियल डायलॉग ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सोचो वॉशिंगटन सोच डीसी सोच रहे हो यही सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो घबरा क्यों रहे हो सही है वॉशिंगटन डीसी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ड स्माइल डे हंसते रहना चाहिए ज ऑब्जर्व इन विच मंथ एवरी ईयर सीरियस होके कभी कुछ नहीं मिले। मिलेगा मतलब मिलेगा बट कहने का मतलब मुस्कुराहट होनी चाहिए हमेशा खुश रहना चाहिए डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस ठीक है ये ही थीम है डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस और ये थीम जो है इट रिमेन्स द सेम एवरी ईयर तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी हेल्प वन पर्सन स्माइल वर्ड स्माइल डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी मंथ इन अक्टूबर तो जब फर्स्ट फ्राइडे होता है अक्टूबर का तब इसको ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है विच इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेटेड इट्सिंग डे ऑन एट अक्टूबर को कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने सेलिब्रेट किया रेजिंग डे बताइए राइजिंग डे इंडियन एयरफोर्स ऑप्शन सी तो इस बार जो एयरफोर्स डे फ्लाई पास है वो शेड्यूल करी गई टू टेक प्लेस इन सुखना ले चंडीगढ़ में ठीक है तो मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल कैपिटल से कहीं और हो गई हुई वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे कमेमोरेटेड एवरी ईयर कौन से मंथ में इन विच मंथ दो मंथ है अच्छा एक तो मतलब अक्टूबर ही होगा तो अक्टूबर के साथ एक और ऑप्शन है मई मतलब पेयर में ही है तो मई एंड अक्टूबर लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि अक्टूबर का अभी तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है मतलब कंपाइलेशन है उसकी तो इसीलिए आंसर वो है बट ये याद रखना चीजें इग्नोर मत करना इसको ठीक है अच्छा वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स जब इंटरनेट शटडाउन अब कम भी हुए हैं ठीक है इंटरनेट फ्रीक्वेंसी अच्छी हुई तो उसके हिसाब से इंडिया की रैंक जो है वो इम्प्रूव हुई है इन द फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में वो हुई है फिफ्टी वन ऑप्शन बी प्रशांत कुमार को अपॉइंट किया गया है एस डी एम डी एंड सीईओ कौन से इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक का बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या सोच रहे हो यस बैंक ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है ये रिपोर्ट जिसका नाम है पोवर्टी एंड शेयर प्रोस्पैरिटी 2022 ट्वेंटी hmm. कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है पोवर्टी एंड शेयर प्रोस्पैरिटी 2022 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट होती है रिपोर्ट इग्नोर मत किया करो वर्ल्ड फूड डे की थीम पूछी गई है आपसे क्या है वर्ल्ड फूड डे की थीम लीव नो वन बिहाइंड ये थीम है वर्ल्ड फूड डे की लीव नो वन बिहाइंड सिक्सटींथ ऑफ अक्टूबर को होता है आई थिंक मतलब हाँ सिक्सटींथ ऑफ अक्टूबर ये सिक्सटींथ ऑफ अक्टूबर को ही होता है श्योर sure. एनुअली हर साल वर्ल्ड फूड डे होता है सोलह अक्टूबर को थीम है लीव नो वन बिहाइंड ठीक है अगला क्वेश्चन है साइबर जागरूकता दिवस इज एन इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन से प्राइवेट बैंक ने लॉन्च किया है स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट एप फॉर एस एम ईस एच डी एफ सी बैंक ऑप्शन सी कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है ऑफ नेशनल वर्कशॉप ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताओ विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल वर्कशॉप ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस न्यू डेली ऑप्शन बी विच कंट्रीज रोवर हैज मैप अबंडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बताइए इंडिया का चंद्रयान टू एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने मैप किया है अब ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम तो आंसर हो जाता है इंडिया ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन देखो क्या है पहलगाम वेयर बोर्ड फेस्टिवल 2022 ट्वेंटी टू वॉज कहाँ पर लोकेटेड है ये बताओ चार ऑप्शन हैं आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन प्लेयर हैज बीन नेम्ड आ, नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर इन द मेन्स कैटेगरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सोच लो मैं इतना पानी पीती हूँ फिर कहते हो मैडम सोचने का टाइम नहीं देते हो आप हमें सोचो सोच लिया हरमनप्रीत सिंह सोचा ऑप्शन ए यही आंसर है बिल्कुल सही सोचा जिन्होंने भी ऐसा सोचा द इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इंडियन फॉरेन सर्विसेज कौन से साल में इन विच ईयर हर साल नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है आई एफ एस डे इंडियन फॉरन सर्विसेज डे नाइनटीन में इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करा था इंडियन फॉरन सर्विसेज तो आई नाइनटीन इज द राइट आंसर मुंडेरा जिसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सोलर पावर विलेज कहां पर है ये कौन सी स्टेट में है ये बताइए जरा क्या लगता है आपको गुजरात ऑप्शन सी बिल्कुल सही सोच रहे हो चलो कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है बेटियां बने कौशल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड बताओ जरा क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं एक आपके साथ डिस्कस भी करूंगी एक एक स्कीम उसके अंदर भी हम एनटीएल के बारे में आपसे और डिटेल में डिस्कस करूंगी Uh, इसी सेशन में करूंगी टेंशन मत लेना मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया बेटियां बनने कौशल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन एनटीएल नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इसको होल्ड पे रखो अभी बताऊंगी टेलिमनास इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है ये एसोसिएटेड है मेंटल हेल्थ से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है ठीक है जी चलिए असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर वर ये सेंचुरी कहां पर है बहुत ही इजी सवाल न्यू दिल्ली में है ये ऑप्शन बी मतलब ऐसे लगे जो जिन्होंने गैस किया होगा वो ये शायद नहीं गैस कर पाए न्यू दिल्ली में लेपर्ड्स हाँ बट असोला भाटी भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर लेपर्ड स्पोर्ट किए गए वो न्यू दिल्ली के अंदर है समानता क्रिस्टो फॉर्टी विच वॉज विच वॉज सीन इन द न्यूज ज द फीमेल फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम विच रीजन फ्रॉम विच रीजन यूरोप ऑप्शन बी अच्छा कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी जो होस्ट है ऑफ हेली इंडिया सबमिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू बताइए बताओ बताओ जिस समिट की थीम है हेलीकॉप्टर फॉर हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये थीम है इस सबमिट की जिसने होस्ट करा है वो है जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन सी ठीक है जैसे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हो गई हेलीकॉप्टर चाहिए तो अलग अलग सीन है कौन सी स्टेट होस्ट है ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट सबमिट इलेवेंथ एडिशन बताइए थीम बताती हूं आप इतना सोचो थीम है इस सबमिट की हार्नेसिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट तो बेसिकली इस इस थीम का इस का फोकस है जो टूरिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं ना उसको रिड्यूस करके उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस को शोकेस करना हाईलाइट करना फॉर बिल्डिंग क्लाइमेट एंड सोशल इकोलॉजिकल रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी तो ये सबमिट हुई कहा लद्दाख में ऑप्शन बी कभी गए हैं घूमने मौका मिले तो जाना मैं अभी कभी गई नहीं बट मेरे को भी जब मौका मिलेगा तो जाएंगे घूमने द नोबल मेमोरियल प्राइस इन इकोनॉमिक साइंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू वॉज अवॉर्डेड टू थ्री साइंटिस्ट फ्रॉम देयर रिसर्च इन विच फील्ड बताइए बताओ बताओ आप बताओ मैं नाम लिख रही हूं यहाँ पे लिखा है ना तीन थ्री साइंटिस्ट को मिला है ये प्राइस तो वो कौन से तीन साइंटिस्ट हैं उनका नाम अगर पूछ लिया जाए जैसे बेनस बर्ने के डॉगलस डब्ल्यू डायमंड ठीक है और एक नाम है फिलिप एच ये तीन नाम है इनको मिला है प्राइस बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस में अवॉर्डेड टू दे फॉर द रिसर्च इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस तीन नाम भी याद में रख लो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है रिसर्च कौन सी फील्ड में करी वो भी याद में रख लेना अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी स्टेट है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स गॉट मैरिड बिफोर अटेनिंग द दफ़ ट्वेंटी वन इक्कीस साल से पहले लड़कियों की शादी कर दी गई और वो स्टेट जहां पर हाइस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स हैव गॉट मैरिड बिफोर अटेनिंग द दफ ट्वेंटी वन उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल और वो परसेंटेज है फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द गर्ल्स मैरिड इन द वेस्ट बंगाल बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ ट्वेंटी वन विच टेनिस प्लेयर वॉन दाना ओपन फाइनल टाइटल नाम है नोवेको ड्रोनी कैमरा ड्रॉन वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई विच इंस्टीट्यूशन चार ऑप्शन है आपके सामने सोच लीजिए गरुड़ एरोस्पेस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसी के साथ आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसका नाम है महाकाल लोक प्रोजेक्ट जिसको इनोग्रेट किया गया रिसेंटली कौन सी स्टेट में है ये प्रोजेक्ट बताइए ज़रा प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया फेज़ वन ऑफ द महाकाल लोक प्रोजेक्ट टू द नेशन कहाँ पर उज्जैन में तो कहाँ हुआ मध्य प्रदेश के अंदर ऑप्शन बी टोटल कोस्ट इस एंटायर प्रोजेक्ट की कितनी है साढ़े आठ सौ करोड़ एट फिफ्टी करोड़ ये जो uh, महाकाल पाथ है वो कंटेन करेगा वन हंड्रेड एंड एट स्तंभ मतलब पिलर जो कि डिपिक्ट करेंगे अ डांस फॉर्म ऑफ लोड शिवा तो आंसर इज ऑप्शन बी विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया अप्रूव टू डाउनग्रेड इट्स इकोनॉमिक स्टेटस टू लो इनकम कंट्री वो है श्रीलंका ऑप्शन बी विच कंट्री डिटेक्टेड दी इंटरस्टेलर स्टेलर मिटियोर्स आई एम वन एंड आई एम टू बताओ 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 यूएसए ऑप्शन सी ठीक है आगे चलते हैं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया आप बताओ जरा पहले आप बता लो मतलब पहले आप सोच लो मिनिस्ट्री फिर उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ आंसर बता दूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्किल इंडिया मिशन सुना है ना एज अ पार्ट ऑफ दिस मिशन फिजिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना करियर अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करना मतलब uh, तो उसके रिगार्ड में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसिप मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक है तो जहां पर जैसे ऑन फील्ड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाइपेंड मिलेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये सब कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड पोस्ट डे की थीम बताओ आप थीम बताओ मैं आपको डे बताती हूं नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को अक्रॉस वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ पोस्टल सेक्टर इन डेली लाइफ वर्ल्ड पोस्ट डे जिसका थीम रहा है पोस्ट प्लैनेट अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है ऑफ दीटिंग ऑफ आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वो सिटी है वॉशिंगटन ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन देखो सोशलिस्ट आइकन है जयप्रकाश नारायण उनका नाम है वॉज बोर्न इन विच स्टेट आप बताओ आप ये मत देखो आप आंसर बताओ पहले बिहार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने एनवील किया एक 15 फीट का स्टैचू हाई स्टैचू जो कि है ऑफ जयप्रकाश नारायण उनके ही विलेज में बिहार में जयप्रकाश नारायण जिनको लोकनायक जेपी के नाम से भी जाना जाता है वॉज बोर्न ऑन लीडर है फेमस लीडर इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन तो इस साल उनकी वन बर्थ एनिवर्सरी रही है ठीक है Which company's pilot project on uh, flexi fuel strong hybrid electric vehicles was launched in India recently? Option B. बेटा, option B. Correct. अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया की रैंकिंग बतानी है आपको in the commitment to reducing inequality index, CRII. What is the rank of India? One twenty third rank है. Option B इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है तो फिर ये जो इंडेक्स है अगर आपसे पूछ लिया जाए ये इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है वो भी आपको पता होना चाहिए ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल डी ठीक है तो तीन एरियाज लिए जाते हैं वो तीन एरियाज कौन कौन से हैं पब्लिक सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है तीन पैरामीटर्स पूछा जाता है जिसके अंदर आता है हेल्थ एजुकेशन सोशल प्रोटेक्शन फिर होता है टैक्सेशन सेकंड एंड द थर्ड इज वर्कर्स राइट तो जब भी आपको इंडेक्स निकालते हो तो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे निकालते हो ना यहां पर ये तीन पैरामीटर्स हैं और कौन इस इंडेक्स को लाता है वो भी बता दिया रश्मि कुमारी एंड संदीप देवे वर सीन इन द न्यूज ये एसोसिएटेड है विद विच स्पोर्ट्स बताओ सोचो सोच लिया कैरम करेक्ट ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर कैरम से एसोसिएटेड है ये दो पर्सनालिटीज स्पोर्ट्स में श्री कृष्ण ऑफ इंडिया हु बिकेम श्री कृष्ण ऑफ इंडिया हु बिकेम द न्यू वर्ल्ड सिक्स रेड चैंपियन प्लेज विथ स्पोर्ट्स हम्म स्नूकर ऑप्शन बी स्किलिंग ऑफ गर्ल्स मैंने बताया था ना ट्रस्ट किया करो बस स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम नाम सुना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस उसी स्कीम के अंदर एन टी एल नॉन ट्रडिशनल लाइवलीहुड स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन एन टी एल की बात करेगा ये नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड मतलब जैसे कि जहां पर स्कीम यह भी फोकस करती है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जब जब आप उनको मार्केट लिंकेजेस दो उनके प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पर वो जैसे स्टेम आपने सुना होगा ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स आप ये सब उनको पढ़ाओ इसमें एम्पावर करो इसमें स्किलिंग करो ठीक है तो ये भी इस पे फोकस किया गया है ठीक है चलिए तो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर पीएम डिवाइन स्कीम भी न्यूज में थी इसका एम है एक रीजन की डेवलपमेंट करना वो रीजन कौन सा है वो बता दीजिए आप और ये स्कीम इंप्लीमेंट करी जाएगी ड्यूरिंग द रिमेनिंग फोर इयर्स ऑफ फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तक प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पीएम डिवाइन विल बी इंप्लीमेंटेड इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में और जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट उसकी वर्थ कितनी है तेरह हजार करोड़ ठीक है जहां पर 6,600 करोड़ की स्कीम फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट तो ऑप्शन क्या हुआ सी ठीक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी याद में रख लेना एडमिनिस्टर करी जाएगी बाय विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ठीक है व्हेन वाज़ दी सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट स्ट्रक डाउन कौन से साल में 2015 में ऑप्शन सी ट अमाउंट ऑफ ग्रांट है लॉसेज इन डोमेस्टिक एलपीजी जो अमाउंट ग्रांट किया गया है दैट्रूव टू ऑयल ट्वेंटी टू थाउजेंड करोड़ ऑप्शन सी अच्छा वट इज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया सिक्सटीन हंड्रेड करेक्ट सिक्सटीन हंड्रेड कितने मेंबर्स हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर दी पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बताइए फोर्टी सेवन करेक्ट बिल्कुल सही फोर्टी सेवन इज राइट आंसर कौन सी टीम है वो वो दर्टी सिक्स नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हेल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू कहां पर गुजरात में ये याद में रखना कौन रहा है बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड किसको मिला है आप सोचो आप आंसर सोचो हर्षिका रामचंद्र कहाँ से फ्रॉम कर्नाटका बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड सजन प्रकाश फ्रॉम केरला तो कौन सी टीम वन सर्विसेज टीम ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अब चलो अगले प्रो, प्रो, प्रोजेक्ट नहीं अगले क्वेश्चन के ऊपर वर्ल्ड बैंक हैज एक्सटेंडेड अनकंडीशनल लोन ऑफ टू फिफ्टी यूएस डॉलर टू फिफ्टी मिलियन यू एस डॉलर फॉर सोल्व प्रोजेक्ट सोल्व प्रोजेक्ट है so अगर इसका फुल फॉर्म बता दिया ना तो आंसर पता चल जाएगा आपको पहले आप आंसर सोच लो फॉर विच स्टेट तो वर्ल्ड बैंक ने यह दिया है पहले तो इस क्वेश्चन के भी कहीं तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन किसने दिया लोन वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया टू फिफ्टी मिलियन यू एस डॉलर अनकंडिशनल लोन सॉल्व प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है पहले तो आंध्र प्रदेश वो स्टेट है सोल प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर एम क्या है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग क्वालिटी लर्निंग को इंप्रूव करना फॉर ओवर फिफ्टी लैक्स स्टूडेंट्स इन द स्टेट ठीक है अगला क्वेश्चन देखो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है ई मॉनिटरिंग ऐप

कौन सी स्टेट ने इनोग्रेट किया है सीई एस एल सोलर पावर्ड चार्जिंग प्लाजा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सीई एस एल की फुलवर्जेंड्री हैफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड की कौन लिमिटेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर पावर मिनिस्ट्री के अंदर जहां पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है फर्स्ट ऑफ इस काइंड सोलर पावर चार्जिंग प्लाजा किसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कहां पर ले में इन लद्दाख रीजन तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है तो अब अगले अगला आपके लिए क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अनवील किया है नेक्स्ट जन कॉन्टैक्ट सेंटर नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस बताइए टोल चार डिजिट का टोल फ्री नंबर भी इंट्रोड्यूस किया है उस बैंक ने टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस थर्टी बैंकिंग सोल्यूशन बारह लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होंगे एंड विल बी अवेलेबल सो द नेम ऑफ द बैंक इज एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने लिविंग प्लानिट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू को कौन रिलीज करता है कौन सा इंस्टीट्यूशन विच इंस्टीट्यूशन रिलीज लिविंग प्लानिट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू और इस रिपोर्ट के हिसाब से सिक्सटी नाइन परसेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स एम्फीबियंस बर्ड्स रिप्टाइल्स अक्रॉस द ग्लोब इन द लास्ट फिफ्टी इयर्स कर रहे हो डेली सेशंस ले रहे हो करंट अफेयर्स के रोज सात बजे वाला उस ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द मतलब सारे क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया लिविंग प्लानिट रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है वर्ल्ड वाइड फंड रिव्यूजन हो रही है अब तो अच्छे से मुझे लगता है अभी इस भूलना नहीं कभी आप इंडिया की पहली सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस इज टू बी सेटअप कौन सी स्टेट में स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी स्लेंडर लॉरिस एक नॉकटर्नल मेमल है जो कि स्पेंड करता है अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ ट्रीज के ऊपर फार्मर्स को हेल्प भी करता है कैसे एक बायोलॉजिकल प्रिडेटर बन के ऑफ दैट हार्मी एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ये जो स्लेंडर लोरी सेंचुरी है ये जहां पर बन रही है इट विल बी फॉर्म बाईम इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्स हेक्टेयर इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ करूर एंड दिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट तो यहां से अब नाम पता चल गया कहा बन रही है तमिलनाडु में ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है द द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन जो न्यूज में है डिलीवर्स ऑयल फ्रॉम विच कंट्री द नेम ऑफ द कंट्री इज रशिया ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हु इज द हेड कौन है हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमित शाह ऑप्शन बी एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट अनाउंस इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हुए मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी कौन सी स्टेट ने अनाउंस करी है घाल आनी तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ठीक है तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या है आप इसको पढ़िए और फिर हम इसके सही आंसर पर आते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्ट्स प्रस्थान सिक्योरिटी एक्सरसाइज तो ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है ये हर छह महीने में होती है आपको बताना है कि कौन सी वो इंडियन आर्म फोर्स है जो ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन नेवी तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जैसे कि मैं बता रही हूँ एवरी सिक्स मंथ इसको कंडक्ट किया जाता है जिसका एम क्या है कि जितने भी एफर्ट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करना इंटीग्रेट सारे ऑल द एफर्ट्स ऑफ द मेरी स्टेक होल्डर्स सो एज जो भी इन्वॉल्व हैं इन ऑफ डिफेंस ठीक है तो आंसर क्या हो गया इसका ऑप्शन बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सेंडाई फ्रेमवर्क के ऊपर ये न्यूज में रहा ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है चार ऑप्शन हैं आपके पास जल्दी से आप सोच लो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है फिर हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं ये है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड अगर आपको पता हो तो हम हर महीने मतलब हर महीने नहीं तेरह अक्टूबर जब भी होता है अक्टूबर जब भी होता है तो थर्टीनथ ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन एम क्या है अवेयरनेस रेज करना अबाउट दी नॉलेज ऑफ कि, कि जैसे जो डिजास्टर्स होते हैं उनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो जो जाने जो जिंदगियां जाती हैं उनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो बेटर लाइवलीवुड बेटर इन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के बारे में तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है अगर आपसे पूछ लिया जाए थर्टींथ अक्टूबर को जो इंटरनेश इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे होता है उसकी थीम क्या है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ठीक है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ये है थीम और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है इसका बेसिकली ये इट इज फॉर द डिजास्टर रिडक्शन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रॉम 2015 फिफ्टीन टू ट्वेंटी थर्टी ये फ्रेमवर्क है और जिसकी हम बात कर रहे हैं uh, ये जो थीम है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ये आती है टारगेट जी में ऑफ दी सेंडाई फ्रेमवर्क ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज है हिम कैड एक्सरसाइज स्कीम है सॉरी हिम कैड स्कीम जो कि इंप्लीमेंट हो रही है हिमाचल प्रदेश में ये भी आपको बता दिया ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है ये बताना है आप बताओ कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है इरिगेशन से एसोसिएटेड है क्या बिल्कुल इरिगेशन से एसोसिएटेड है जहाँ पर फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा उनको एंड टू एंड कनेक्टिविटी बेटर फील्ड में कैसे पानी की कंजर्वेशन इरिगेशन पोटेंशियल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन सब पे ये सब चीजें फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई जाएंगी और ये uh, yes, जो गैप है बिटवीन द इरीगेशन पोटेंशियल एंड द इिगेशन पोटेंशियल टू बी यूटिलाइज उस गैप को ब्रिज किया जाएगा इस स्कीम के अंडर एज पर द रिसेंट इंडियन रेलवेज पॉलिसी बाय विच ईयर कौन से साल में द फ्लीट ऑफ व्हीकल्स ऑफ रेलवे उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो बायर बाय डू यू थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कर देंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक मुझे लगता है हो जाएगा सो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रेजिडेंट मुर्मू इनोग्रेटेड जुडिशियल अकेडमी एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट तो वो स्टेट का नाम कौन सा है वो है त्रिपुरा ऑप्शन डी ठीक है अगला क्वेश्चन है कि जो फोर्थ वंदे भारत ट्रेन है जिसको रिसेंटली इनोग्रेट किया वो रन करती है बिटवीन डेली एंड अम्बूरा ऑफ विच स्टेट तो वो स्टेट कौन सी है दूसरी डेली एंड हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जब मैं बात करती हूँ एन की मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि आपने सारे क्वेश्चन डेली के जो क्लासेज हैं वो ली हैं क्योंकि ये सब कुछ रिवीजन है हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एवरीडे डे लेक्चर्स में कवर किया हुआ है तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एनजीएलवी में एन का मतलब क्या है व्हाट एन स्टैंड्स फॉर What does एन stands फॉर इन दिस proposed NGLV launch vehicle system लॉन्च ISRO? सिस्टम ऑफ system replace जी सिस्टम रिप्लेस करेगा पी एस एल वी को कि अब ऐसा होता है ना कि पी एस एल वी जो है वो पुराना हो गया है तो अब आपको नए सिरे से अब उस तरीके से अगर हम सोचें तो अब आप आ चुके हो मतलब नाइन्टी से आ गए अब ट्वेंटी फर्स्ट में तो आप नियर फ्यूचर की अगर बात करो तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस पी एस एल वी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है जो कि थ्री स्टेज लिफ्ट रीयूजेबल व्हीकल है जिसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है टू दी जीटीओ जियो ट्रांसफर ऑर्बिट टेन थाउजेंड के जी और लोअर्थ ऑर्बिट में ट्वेंटी थाउजेंड के जी ठीक है आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के अंडर अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दायर एग्रीकल्चर एरिया ऑफ इंडिया भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा जो कि इसरो का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है याद है इसरो का डेडिकेटेड प्रोग्राम है भारत कृषि सेटेलाइट प्रोग्राम जो कि क्या कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं पेस्टिसाइड्स इरिगेशन क्रॉप डेटा ड्रॉट स्टेटिस्टिक्स इन सब की इंफॉर्मेशन ली जाए तो मिनिमम ऑफ कितनी सैटेलाइट्स दो सैटेलाइट्स जो है वो रिक्वायर रहेंगी ताकि आप एंटायर एग्रीकल्चर एरिया जो है कंट्री का उसको स्पेन कर सको एग्रीकल्चर सेंसस जो इंडिया के अंदर कंडक्ट होता है कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये एक्सरसाइज कितने सालों में होती है हर साल होती है नहीं एवरी फाइव इयर्स होती है ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये ऐसी इन डेप्थ मैंने कवर करी है चीजें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन में याद है कि नहीं याद है ना मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको याद होना चाहिए अगला क्वेश्चन देखो एशिया कप एसोसिएटेड है विथ विच गेम एशिया कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम आंसर इज क्रिकेट ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्लास ऑफ मिसाइल्स इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइंड एंड बिल्ड बाय इंडिया बहुत अच्छे से कवर किया था अगर आपको याद हो आईएनएस अरिहंत के बारे में जो कि इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है एक ऐसी सबमरीन जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकती है और एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अपनी इसी के साथ साथ इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड हो जाता है जिसके अंदर अब हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को लैंड एयर और सी से लॉन्च कर सकते हैं तो आई अरिहंत इसका सही आंसर है और साथ ही साथ अगर आप ये तो पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन होगी और जो अभी इंडक्ट होगी इंडी इंडियन नेवी बेसिकली वो कौन सी है द नेक्स्ट वन द सेकेंड सबमरीन उसका नाम भी याद में रख लेना आई एन एस तो क्या हो गया आंसर ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन पढ़ो और फिर इसका सही आंसर देना क्या कहता है अगला क्वेश्चन बताओ जरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म वो रिलेटेड है टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताओ जरा ये एक क्या है एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है ये अब आंसर क्या लगता है इसका क्या होगा नैटो ऑप्शन बी तो जो नाटो अलायंस है उनकी एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्टेड फास्ट नून जो कि बेसिकली uh, जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो टेक पार्ट करेंगे इन द द द ट्रेनिंग फ्लाइट्स ओवर बेल्जियम नॉर्थ सी ब्रिटेन राइट टू प्रैक्टिस यूएस न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेस्ड इन यूरोप तो यूरो पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे सार्सको टू वायरस पे एसोसिएटेड है वट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एंटी डॉट अगेन सार्सको टू वायरस याद आ रहा है कुछ विनकोव नाइनटीन याद आया ऑप्शन ए वही इसका आंसर है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे नेफ्यू रायो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रायो hmm, सोचो सोचो नागालैंड सोच रहे हो अगर ये सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट एशिया सबमिट जो है वो सिक्स ईस्ट एशिया सबमिट बेसिकली कहाँ हुई विथ सिटी वॉज द होस्ट ऑफ सिक्स ईस्ट एशिया सबमिट एडुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्या लग रहा है वेतनाम में करेक्ट ऑप्शन बी है नोई वेतनाम के अंदर ईस्ट एशिया सबमिट जो है उसके बारे में मैंने बात करी थी ये क्या है एक रीजनल फॉरम है कब इस्टेबलिश हुआ था दो हजार पांच में कितने मेंबर्स हैं एटीन मेंबर्स हैं सिक्स प्रायोरिटी एरियाज़ पे ये लोग बेसिकली uh, कॉपरेट करते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ़ ईस्ट एशिया समिट वो सिक्स प्रायोरिटी एरियाज़ क्या है मैंने बताए थे और अब आप उसको जाके खुद से रिवाइज़ करोगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अभी भी तो दे ही रही हूँ लेकिन इसके साथ साथ डेली सेशनस में भी होती है ठीक है तो वैसे चलो बता देती हूँ सरप्राइज़ नहीं रखती सिक्स जो सिक्स प्रायोरिटी एरियाज हैं इन्वायरमेंट एनर्जी एडुकेशन फाइनेंस ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन कनेक्टिविटी तो ये थे कुछ छ अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कौन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अगर आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अगला क्वेश्चन पढ़ो और फिर जल्दी से मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से हमने इसको कवर किया था एज पर दब्लिक अफेयर इंडेक्स विच इज जी बताओ बेस्ट गवर्न स्मॉल स्टेट है सिक्किम ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेकिन अगर पूछ लिया जाए बिग स्टेट्स में से ये स्मॉल स्टेट में है बिग स्टेट के अंदर है हरियाणा हरियाणा आती है टॉप पोजीशन पे अगर कैटेगरी ली जाए बिग स्टेट्स के अंदर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो कौन लेकर आता है बेंगलुरु बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर सेंटर तो वो रिलीज करते हैं इस इंडेक्स को बेस्ड ऑन सर्टेन uh, पैरामीटर्स जैसे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस उस स्टेट में कैसा है इसके बेसिस पे और और बिग स्टेट्स में हरियाणा के बाद कौन कौन सी स्टेट्स हैं फॉलोड बाय तमिलनाडु केरला छत्तीसगढ़ पंजाब कर्नाटका ये कुछ अदर स्टेट्स भी हैं ठीक है अगला क्वेश्चन कहता है कि वट वॉज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉर्टगन हेल्ड इन ऑसिजेक क्रोशिया रिसेंटली तो बताओ क्या है इसका सही आंसर क्या लगता है फिफ्थ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री स्कोर लीस्ट एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2022 बताओ कौन सी कंट्री है जो कि लीस्ट स्कोर किया है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो है यमन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से चार इंडिकेटर्स हैं जिस पे बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है अंडर नरिशमेंट चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड मोटेलिटी किसने टॉप किया है इस लिस्ट में चाइना और कुवैत ने और साथ ही साथ जो साउथ एशियन रीजन है बेसिकली वहां पर हाईएस्ट नंबर है हाईएस्ट चाइल्ड स्टंटिंग है हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग है ठीक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर अगला क्वेश्चन देखो ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया ना वी इन एन जी एल वी ऑफ इसरो स्टैंड नेक्स्ट जनरेशन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसरो के चेयरमैन का नाम पूछा है हु इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन इन अक्टूबर ट्वेंटी एस सोमनाथ ऑप्शन सी वट डू यू थिंक यही लग रहा है यही है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है विच स्टेट हैज बीन चूजन टू एस्टेब्लिश द सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट कौन सी स्टेट को चूज किया है सिंपली आंसर पे आती हूं तो वो है छत्तीसगढ़ ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम ये क्वेश्चन देखो कैसे घुमा फिरा के आ रहा है अपार्ट फ्रॉम जीएसएलवी मार्क थ्री लॉन्च फ्रॉम इसरो बताओ क्या लगता है पी एस एल वी करेक्ट ऑप्शन बी पी एस एल वी इज द राइट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने ईस्ट एशिया सबमिट के बारे में पढ़ा था ना जो कि हेनोई वेतना में हुई क्वेश्चन ये है विच इज द की इनिशिएटिव प्रेजेंटेड इन दिक्कत एशिया सबमिट ईस्ट एशिया सबमिट एडुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग इन वेतनाम एडुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई वियतनाम में सिक्स ईस्ट एशिया सबमिट में तो की इनिशिएटिव जो प्रेजेंट किया वो क्या था नेशनल एडुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ स्टेट्स हैज बीन केप्ट इन दी अचीवर्स कैटेगरी ऑफ द लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो बताओ बहुत अच्छे से हमने इसको अचीवर्स कैटेगरी फास्ट मूवर्स एस्पायर्स अगर याद हो तो कुछ याद आ रहा है तो फिर बताओ क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर तो अचीवर्स कैटेगरी ऑफ दी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट की बात करूं तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का गुजरात है स्टेट जो कि अचीवर्स कैटेगरी के अंदर आती है एक अचीवर्स कैटेगरी होती है एक फास्ट मूवर्स कैटेगरी और एक एस्पायर्स कैटेगरी अचीवर्स कैटेगरी के अंदर वो स्टेट्स आती हैं जिन्होंने अचीव किया है परसेंटेज नाइन्टी से ज़्यादा फास्ट मूवर्स के अंदर आती हैं जिसमें एट्टी टू नाइन्टी होता है और एस्पायर्स कैटेगरी में आती हैं जो बिलो एट्टी होता है अचीवर्स कैटेगरी की बात करूं तो उसमें और कौन कौन सी स्टेट्स हैं? याद आ रहा है आंध्र प्रदेश असम, गुजरात ये सब अचीवर्स कैटेगरी के अंदर हैं। और लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट को कौन रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो रिलीज करती है इसको लीड्स को बेसिकली लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिपोर्ट ठीक है अगर आपसे पूछ लिया जाए ये रिपोर्ट लीड्स रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अगला क्वेश्चन देखो थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्य उत्सवम इज हेल्ड टू सेलिब्रेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चलो बताओ क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर वेम्पत्ति चिना सत्यम तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगी ये नाट्य उत्सव कहाँ हुआ हमने ये भी कवर किया था थर्ड वर्ड कुरजीपुरी नाट्य उत्सव अभी नहीं थोड़ी देर में पूछूंगी बट अभी ये पता चल गया कि हुआ क्यों था टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वेम्पत्ति चिना सत्यम अगला क्वेश्चन है हु रिसीव डॉक्टर शोभा नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन आंध्र प्रदेश किसने रिसीव किया डॉक्टर शोभा नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पद्मजा रेड्डी ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है बताओ जरा कहां पर है ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल के अंदर याद आ रहा है कहां है लोथल गुजरात में जो कि एक फेमस सिटी है किसके लिए इट इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉकर्ड्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक प्रोमिनेंट सिटी वहां पर क्या होने जा रहा है एक एज अ ट्रिब्यूट टू द सिटी नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा और यस yes, टूरिज्म uh, जो है वो भी बूस्ट होगा ये भी बिल्कुल सही बात है इंडिया का रिच और डाइवर्स कल्चर जो है वो आप उससे शोकेस करोगे बिल्कुल सही बात है उस सिटी की जो लेगेसी है उसको डेडिकेट करते हुए इस कॉम्प्लेक्स को लेकर आ रहे हैं तो ऑप्शन सी गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर नेशनल कोल कंक्लेव एंड एग्जीबिशन 2022 वाज हेल्ड रिसेंटली सिटी वाज द होस्ट विथ सिटी वाज द होस्ट सिटी वाज होस्ट टू द फर्स्ट एवर नेशनल कोल कंक्लेव न्यू दिल्ली करेक्ट ऑप्शन बी कौन सी स्टेट है जहां पर आपको हाईएस्ट कोल रिजर्व इंडिया में देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा कोल रिजर्व वहां पर है वो स्टेट है झारखंड ठीक है याद में रखना अगला क्वेश्चन देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया था विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज होस्टेड थर्ड वर्ल्ड कुचिपुरी नाट्य उत्सव किसने ऑर्गेनाइज किया था तीन दिन का ये इवेंट था और कौन सी सिटी में हुआ था विजयवाड़ा ऑप्शन डी क्यों हुआ था अभी हमने देखा था ना जब हमने देखा था कि द कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट मेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वो आप बताओगे क्योंकि मैंने बता दिया है वर्ड बेसिकली uh, ये जो नाट्य उत्सव है ये स्टार्ट होगा 14, ये हुआ था ट्वेंटी टू में ट्वेंटी ट्वेंटी को हुआ ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्या है हु इज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू वट डू यू थिंक कौन है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट भारती दास ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि एज पर यू एन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच कंट्री हैज दार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड बताओ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से वो कौन सी कंट्री है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल है वर्ल्ड वाइड इंडिया ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस रिपोर्ट के हिसाब से जो पुअर पीपल हैं नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया वो फेल हुआ है बाय अबाउट फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन मिलियन फ्रॉम मतलब अगर आप बोलो दो हजार पाँच दो हजार छः से लेके दो uh, हजार उन्नीस से दो हजार इक्कीस तक में लेकिन इंडिया के बाद जो वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ लेकिन स्टिल इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वो कितना है टू ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन मिलियन उसके बाद नाइजेरिया याद है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है यूएनडीपी उसके साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड व्हाट क्या लगता है बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है बेसिकली इनिशिएटिव तो यहां पर यूएनडीपी और ओपीएचआई तो ये आपको याद में रखना है कितने इंडिकेटर्स होते हैं दस इंडिकेटर्स होते हैं उसको समराइज करते हो आप तीन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ एजुकेशन ठीक है अगला क्वेश्चन देखो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जिसको रिसेंटली लॉन्च किया वो बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किया कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर क्या बात होती है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको कंपनीज एक ही सिंगल ब्रांड में बेचेंगी जिनका नाम होगा भारत ब्रांड भारत ब्रांड लगेगा उसके आगे ठीक है तो ताकि आप यूनिफॉर्मिटी लेकर आ सको और इसके वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की बात होती है साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया था जब टू डे का पीएम किसान सम्मान सम्मान सम्मेलन था तो उसमें हमने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है प्राइम मिनिस्टर ने वो भी क्या किए थे उनको इनोग्रेट किया था कुछ को तो वहाँ उन सेंटर्स में ये जो केंद्र है ये फार्मर जो हैं यहाँ से फर्टिलाइजर सीड्स खरीद सकते हैं क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होगी ठीक है तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है प्राइम मिनिस्टर ने लाया है ठीक है ऑप्शन okay, बी ओके सहन करुणा तिलक सहन करुणा तिलक हु वॉन दी ट्वेंटी बुकर प्राइस फॉर फिक्शन वो कौन सी कंट्री से हैं फ्रॉम विच कंट्री श्रीलंका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो कौन सी कंट्री है जिसको इलेक्ट किया गया है एज दी प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलाइंस इंडिया और अगर आपसे पूछ लिया जाए को प्रेजिडेंट कौन है उस ब्लॉक के जिनको री इलेक्ट किया गया फ्रांस तो अभी तो आंसर आपसे पूछा है जिनको इलेक्ट किया वो है ऑप्शन बी इंडिया ठीक है तो को प्रेसिडेंट कौन है प्रेसिडेंट इंडिया को प्रेसिडेंट फ्रांस ऐसे याद में रख लो बस विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इज़ द होस्ट ऑफ एग्री स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस बताओ कौन सी स्टेट जो है वो होस्ट है एग्री स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस की न्यू दिल्ली ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ पर मिनिस्टर ने और क्या क्या बात करी थी अनाउंस किया था एक फंड क्रिएट करने के लिए जो कि होगा ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ एज अ एक्सिलरेटर प्रोग्राम जो स्टार्टअप्स जो काम कर रहे हैं हुआ वर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर उनके और ज़्यादा वो इनोवेशन कर पाए और आप जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हो आप उसको हटा के साथ ही साथ जो इनोवेटिव आइडियाज़ है जो स्टार्टअप्स लेकर आ सकते हैं उनको कैसे अब उसमें इंकलगेट करेंगे फार्मर्स को उन टेक्निक से कैसे प्रिपेयर करवाएंगे अवेयरनेस होगी उनको लर्निंग्स देना कैंप्स होंगे अवेयरनेस टेक्निक्स बहुत कुछ सेमिनार्स होंगे ठीक है तो ये है जो इसके सारी बातचीत हुई Google ने collaborate किया है डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ बताइए गूगल कोलेबोरेटेड विद विद स्टेट टू ड्राइव डिजिटल लेड लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट एंड यूथ वो है आसाम ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहां पर जो बच्चे हैं यूथ है उस स्टेट की उनको डिजिटल लेड लर्निंग की तरफ आगे लेकर जाया जाएगा स्कूल डिजिटाइजेशन एफर्ट्स ये सब लगाया जाए इनको स्ट्रेंथन किया जाए ठीक है तो बेसिकली जब आप अब पढ़ाई की बात करते हो जब आप लर्निंग्स की बात करते हो चाहे वो लर्निंग्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ एक एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की हो ना वो इंश्योर करना होता है चाहे वो आप उसमें स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाओ विद स्टडीज डिजिटल लर्निंग की तरफ लेकर जाओ ठीक है तो कैसे आप स्ट्रेंथन करोगे इन चीजों में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इनोग्रेट किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री बाय द प्राइम मिनिस्टर हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट है इनोग्रेटेड अक्रॉस द कंट्री बाई दी प्राइम मिनिस्टर आंसर है सेवेंटी फाइव ऑप्शन बी जिससे कि आप डिजिटल बैंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं उनको आगे एक्सपैंड करोगे यहाँ पर जो बैंकिंग सर्विसेज हैं जैसे कैश डिपॉजिट विड्रॉल थ्रू आउट द डे डिजिटली ये सब प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है इंडिया की फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्री ट्रेक हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच रेलवे स्टेशन बताइए क्या है इसका आंसर जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया है बाय हिंडल को ठीक है एक ऐसा वैगन जो कि बेसिकली जिससे कि एल्यूमिनियम वैगन है जिससे निकल और कैडमियम का इंपोर्ट जो है वो कम होगा और लोकल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा तो वो इनोग्रेट हुआ है भुवनेश्वर में ऑप्शन ए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ट्रॉफी जो है वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है सबको पता होगा फुटबॉल ऑप्शन सी ठीक है अगला क्वेश्चन देखो किसको सिलेक्ट किया गया है हु हैज बिन सिलेक्टेड एज थर्टी सिक्स प्रेजिडेंट ऑफ बी सी सी आई टेकिंग ओवर फ्रॉम सौरव गांगुली क्या लगता है रॉजर बिनी ऑप्शन बी करेक्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट इज दी होस्ट ऑफ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी टू बताओ विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी टू वो स्टेट है गुजरात ऑप्शन बी गुजरात में कहां पर राजकोट तीन दिन का ये इवेंट था ठीक है जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने जिसका पर्पस क्या था प्लेटफॉर्म क्या बात करता है ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेमोस्ट्रेट किया गया और उन बातों पे डिस्कस किया गया जो कि एसोसिएटेड है कि जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हो जो सुटेबल है कंस्ट्रक्शन बेसिकली जियो क्लाइमेटिक जोन्स को देखते हुए भी जो प्रोसेस जो टेक्निक्स जो मटेरियल दैट इज सुटेबल तो उस पर डिस्कशन हुई इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अर्बन वो बेसिकली वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है अच्छा विथ सिटी इज द होस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस विच इज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बताइए जरा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा केवड़िया ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये टेंथ हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस थी जो कि uh, हुई एंड ऑर्गेनाइज किसने करी थी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट याद आ रहा है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट एच टी टी फोर्टी विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या लगता है वट डू यू थिंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एच ए एल ऑप्शन बी ठीक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको अनवील किया है रिसेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है जो कि बेसिकली लॉन्च हुआ कहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस एक्सपो जो ट्वेल्थ थी कहा थी गांधीनगर के अंदर ये क्या है एक बाई एनुअल एग्जीबिशन है इसकी थीम क्या थी पाथ टू प्राइड तो यहां पर एस टी टी फोर्टी जो है इसको अनवील किया गया और साथ ही में जो आ, बेसिकली आ, आर्मी का ये कहना था कि जो न्यू ट्रेनर्स होते हैं उनको बेसिकली जो अभी ट्रेनिंग है वो एस टी टी फोर्टी के थ्रू जो है वो करवाई जाएगी जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है थाउजेंड मीटर्स ठीक है स्पीड फोर फिफ्टी किलोमीटर पर आवर तो ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स जो है फॉर ट्रेनिंग ऑफ द न्यू पायलट इसको यूज करेगी एच टी टी फोर्टी को अगला क्वेश्चन देखो क्या है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के ऊपर ये क्वेश्चन है स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज होस्ट टू फोर्टीन वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस फोर्टीन एक तो ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस आंसर है इसका महाराष्ट्र ऑप्शन बी ठीक है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस एक बाई एनुअल इवेंट होता है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर चले या थीम भी जान लो एक बार थीम भी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या है विजन ट्वेंटी थर्टी स्पाइसेज अब यहां पर स्पाइसेज में एस पी आई सीई एस -E सबका अपने अपने एल्फाबेट का एक एक टर्म है एस फॉर सस्टेनेबिलिटी पी फॉर प्रोडक्टिविटी आई फॉर इनोवेशन सी फॉर कोलेबोरेशन ई फॉर एक्सीलेंस एस फॉर सेफ्टी ठीक है मूविंग ऑन सी आई आई एंड आईओ सी एल हेज अनाउंस टू लॉन्च अ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव वायु अमृत इन विच स्टेट कौन सी स्टेट में पंजाब में क्या लगता है पंजाब इज द राइट आंसर बिल्कुल पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहां पर जो स्टबल बर्निंग का इश्यू है उसको सोल्व करने के लिए क्रॉप रेविड्यू मैनेजमेंट के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया अगला क्वेश्चन है यूरोपियंस पार्लियामेंट एनुअल सकर ऑफ प्राइस हैज बीन अवॉर्डेड टू तो द पीपल ऑफ विच कंट्री टू तो द पीपल ऑफ विच कंट्री हां जी टू तो पीपल ऑफ यूक्रेन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूक्रेन के लोगों को ऑनर करने के लिए कि जैसे उन्होंने फाइट किया है अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन इसके लिए ये प्राइस जो है यूरोपियन पार्लियामेंट अवार्ड करती है ये ऐसे याद में रख लेना विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बताओ कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ड्राफ्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन ऑप्शन बी क्या होता है ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे कि आपको पता है देखो जब आप ओपन स्कूलिंग में होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग वहां पर क्रेडिट सिस्टम ही होता है जहां पर आपके हर एक कोर्स के लिए आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं वैसे ही एक ड्राफ्ट है जो कहता है कि स्कूल एजुकेशन में भी क्रेडिट दो ठीक है हायर एजुकेशन में भी क्रेडिट दिए जाने चाहिए वो क्रेडिट जो है जब बच्चा रजिस्टर करेगा तो वो एक अकाउंट होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी उसके अंदर डिपॉजिट हो जाए कि कल को अगर मान लो कोई ड्रॉप आउट भी हुआ कोई बच्चे ने ड्रॉप आउट किया और वो चला गया उसको वापस से रीस्टार्ट करना है तो जहां पर छोड़ा था उस क्रेडिट से वो आगे जो है वो अपनी एडुकेशन को पूरा कर सकता है ठीक है तो ये बात है यहां पर इससे ड्रॉप कम होंगे फ्लेक्सीबिलिटी हो जाएगी एनी टाइम एनी लर्निंग हो जाएगी ठीक है ये एजेंडा था अगला क्वेश्चन है विथ स्टेट इज द होस्ट ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विथ स्टेट इज द होस्ट ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वट डू थिंक इज द राइट आंसर मध्य प्रदेश ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये होगा कब से कब तक थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू इलेवेंथ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हु हैजिन नेम्ड एज द न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी एज ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू कौन है न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा करेक्ट ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा इज दी राइट आंसर अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे की थीम क्या है वट इज दी थीम ऑफ वर्ड स्टेटिस्टिक्स डे ट्वेंटी ट्वेंटी टू कब होता है ट्वेंटी अक्टूबर को ठीक है एवरी ईयर नहीं एवरी फाइव ईयरस और डे को कब डेजिग्नेट किया गया था 2010 में बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन किस लिए स्टेटिस्टिक्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करने के लिए थीम क्या है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन बी ठीक है चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड ऑस्ट्रोपोरिस डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल कब डेट बतानी है आपको आप डेट बताओ मैं आपको थीम बताती हूँ स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ ये है थीम डेट क्या है ट्वेंटी एथ ऑफ अक्टूबर ऑप्शन सी जहाँ पर लोगों को अवेयर करवाया जाए अबाउट दी ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्ट्रोपोरिस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारी हड्डियाँ हैं वो भी कमज़ोर होती हैं तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो वैसा कुछ है तो आ, ये कुछ इश्यूज हैं जब फ्रैक्चर्स होते हैं तो बेसिकली बोन हेल्थ पे लोगों को जागरूक करवाना उसकी अवेयरनेस कैसे कर सकते हो क्या करना चाहिए ये सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज इन स्टेट स्टेट कौन सी में लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बताइए कौन सी स्टेट है वो अगर आपको लग रहा है वो हिमाचल प्रदेश है तो आप गलत नहीं सोच रहे हो क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज थ्री के अंदर हिमाचल प्रदेश में बेसिकली बात हो रही है अपग्रेडेशन ऑफ थ्री वन टू फाइव किलोमीटर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ठीक है तो अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये स्कीम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसम्बर 2000 में लॉन्च करी गई थी ताकि क्या कर सको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके बाय ऑल वेदर रोड्स टू दी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस वट इज दी नेम ऑफ दी मैस्कोट एंड वील्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप क्या नाम है फोटो तक लग रही है क्या नाम है तजुनी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है और बताओ क्या सही आंसर लिस्ट्रेस रिसेंटली रिजाइंड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हां जी यूके ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विथ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनोग्रेट किया गया है पंजाब के अंदर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहां पर हम जो वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं फिर जो गैस होती है उसको प्योरीफाई करके कॉम्प्रेस करते हैं वो है कॉम्प्रेस बायोगैस ठीक है और यहां पर बात होती है कि इस बायोगैस प्लांट से बेसिकली uh, ये जो बायोगैस प्लांट है बेसिकली ट्वेंटी एकड़ में है ये बायोगैस प्लांट और इसकी करंट कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस सिक्स टन्स पर डे ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगी उसमें एक 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 अच्छा स्टेप है ठीक है एफ इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पर 220 करोड़ की 220 करोड़ की बाय अ कंपनी जो कि है वर्बियो एजी ठीक है कहाँ की है जर्मनी की है तो ये ध्यान में रखना जो स्टबल बर्निंग वाला इशू है वो नहीं होगा जिसके अंदर जो पैडी स्ट्रॉ है जिसको जला दिया जाता है खेतों में जिसे स्टबल बर्निंग होती है उसको अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं फार्मर से ये लेंगे तो फार्मर्स को इनकम भी होगी ठीक है तो ये सब कुछ इसके बेनिफिट्स हो गए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कंपटीशन ऑफ इंडिया इम्पोज पेनल्टी ऑफ थर्टीन हंड्रेड करोड़ कौन सी टेक्नोलॉजी मेजर मेजर पे पे बताओ कौन से टेक्नोलॉजी गूगल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो बेसिकली क्या है ना कि गूगल uh, को बेसिकली फॉर एब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन ये पेनल्टी जो है वो दी गई है ठीक है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे ने लॉन्च किया है पहला ग्रीन डेटा सेंटर इंडिया में कौन सी स्टेट में इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बताओ महाराष्ट्र के अंदर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रिपोर्ट है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव अ बिलियन लाइवलीहुड ये रिपोर्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज दिस रिपोर्ट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑप्शन बी और इस रिपोर्ट के हिसाब से ड्रोन जो हम यूज कर रहे हैं एज अ टेक्नोलॉजी तो इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर तो इट कैन बूस्ट द इंडियन एग्रीकल्चर विथ जीडीपी टू अराउंड वन टू वन पॉइंट फाइव परसेंट का बूस्ट मिल सकता है ठीक है और साथी साथी साथ ही साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है इन द कमिंग ईयर्स वो भी क्रिएट हो सकती है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बक्सर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है कौन सी स्टेट में कहां पर है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिहार में ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वन टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल रेप्यूटर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन उनका नाम है डॉक्टर के पी अश्वनी ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी अना मेवांग ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मूविंग ऑन नलामला फॉरेस्ट रेंज जो है जो न्यूज में रहा कहां पर है कौन सी स्टेट में है बताओ जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज उस ब्रिज से बेसिकली जो कि अक्रॉस कृष्णा रिवर होगा तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कनेक्ट करेगा तो वो बताओ जरा फिर अब तो आंसर पता चल ही गया है आंसर क्या है आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज बिन रिमूव फ्रॉम एफ ए टी एफ ग्रे लिस्ट कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसको एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है पाकिस्तान ऑप्शन बी तो यहां पर अगर मैं एफ ए टी एफ की बात करूं तो एफ ए टी एफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ठीक है एम क्या है जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं जो टेररिज्म को एड करें उनको मॉनिटर करना उनको प्रिवेंट करना एफ ए टी एफ एस्टेबलिश कब हुआ था नाइनटीन एटी नाइन में जुलाई में बाय जी सेवन सबमिट क्वार्टर कहाँ है पेरिस के अंदर इंडिया मेंबर है बिल्कुल है सिंस ट्वेंटी टेन और भी बहुत सी बातें हैं आई होप आप सबको पता है बट ये बेसिक बेसिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर सो वेन इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब होता है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सो एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डे किस लिए अवेयरनेस लाने के लिए कैसी अवेयरनेस वो प्रॉब्लम्स की जो कि सराउंडिंग है डेवलपमेंट के अराउंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो चाहे डिफरेंट नेशंस की हो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे ओवरकम कर सकते हैं ठीक है थीके? इस रिगार्डिंग द ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर इज दी करेक्ट आंसर इंडिया का फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बिन इनोग इंडिया का फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनोग्रेट हुआ है कौनसी सिटी में मुंबई के अंदर तो मुंबई में बेसिकली इसको इनोग्रेट किया गया है एंड इट इज डेवलप्ड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि क्या करेगा अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा ऑन दी uh, जो कि माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेंस हैं इलेक्टेटिंग मदर्स हैं बच्चे हैं उन सब की ताकि जो भी उस आई डी नंबर से जो भी अवेलरेबल सीजनल माइग्रेंट बेनिफिशरीज हैं गवर्नमेंट स्कीम जो होती हैं उनका फ़ायदा ले पाएँ और जो जो सर्विसेज इनके लिए होती हैं वो इनको अवेलेबल हो पाएं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तभी पता चलेगा ठीक है तो ऑप्शन बी इस रिगार्ड में इसका सही आंसर होता है चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच वाज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड। आंसर इज प्राइम करेक्ट ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन देखो और बताओ हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जैक्सी शाह ऑप्शन बी अच्छा विच स्टेट है कमेटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्टेट ने कमेटी जो है स्टेट लेवल कमेटी सेटअप करी है ताकि हम इफेक्टिवली कंजर्वेट कंजर्वेशन हो सके वल्चर्स की वो स्टेट है तमिलनाडु ऑप्शन बी वल्चर्स देखो ऑलमोस्ट देवर एक्सटिंग इन द कंट्री इन द बिगनिंग ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी 96 परसेंट डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला वल्चर्स की पॉपुलेशन में फ्रॉम 1993 टू 2003 गवर्नमेंट ने भी काफी दो पॉलिसी स्टेप्स लिए इसके रिगार्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वल्चर्स फूड चेन की बात करते हैं जब हम तो पिरामिड में टॉप पे भी आते हैं ठीक है थीके? तो ऑब्वियसली uh, हर एक स्पीशीज़ uh, का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है एक इकोलॉजिकल सिस्टम एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन वल्चर्स जो है वो एक्सटेंट हो रहे थे देर आर सेवरल रीजन्स फॉर दैट लॉस ऑफ हैबिटेट भी हो सकता है डाइक्लोफिनक जैसी जो ड्रग्स हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग जब एनिमल और ह्यूमन हेल्थ में अगर आप कंज्यूम करते हो जब आप उसे खाते हो और जो जब वल्चर फीड करता है ऐसे डेड ऑर्गेनिजम्स पे तो वो डायग्लोफिनिक वैसी लंग्स और उस पर इफेक्ट करने से वल्चर्स की डेथ भी हो रही थी ठीक है तो ये सब कुछ इसके पीछे की हिस्ट्री और बैकग्राउंड है लेकिन अभी एक कमेटी जो है वो बिठाई गई तमिलनाडु ने सेटअप करी है ताकि वल्चर्स की कंजर्वेशन हो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है कुंज ऐप आप मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन बताओ बोलते बोलते ना गला सूखने लगता है चलो अब बताओ मेहनत लग करते हैं आपके लिए और आप भी कमेंट सेक्शन में बताया करो कैसा लगता है आपको सेशन ठीक है डेली लेक्चर्स लिया करो जो करंट अफेयर्स के होते हैं अब ये जो ऐप है मोबाइल एप्लीकेशन वो है टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रेन वो लॉन्च किया केरला ने ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया डिसआर्मामेंट वीक एवरी ईयर ऑन विच मंथ अब तो सबको ही पता है अभी तो कहोगे मैडम ये तो कैसा सवाल है अभी अक्टूबर के कंपाइलेशन चल रही है तो अक्टूबर ही होगा अब पेपर में तो ऐसे आएगा नहीं कि अक्टूबर के कंपाइलेशन से है ठीक है क्वेश्चन तो वो तो कहीं से भी आएगा तो इसलिए याद में रख लेना ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर से थर्टीएथ अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है डिसआर्मामेंट वीक ठीक है अक्टूबर इज द राइट आंसर कौन सी स्टेट ने पास किया है ऑर्डिनेंस टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर एंड एंड टू डू यू थिंक कर्नाटका करेक्ट ऑप्शन सी इज क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड स्पीशीज ब्रेसिका जुनेशिया नाम है उस कंट्री का ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी ठीक है अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पोलियो डे की थीम बताओ मैं आपको डेट बताती हूं ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे होता है जहां पर पोलियो वैक्सीनेशन रेडिकेशन ऑफ पोलियो के रिगार्डिंग अवेयरनेस जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके जो एफर्ट्स हैं वो उनको हाईलाइट करना ठीक है थीम क्या है हैल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चाइना ने अनाउंस किया है टू लॉन्च थ्री न्यू कॉरिडोर्स एग्रीकल्चर हेल्थ एंड आईटी सेक्टर में विद विच कंट्री वो कंट्री कौन सी है हमारे बगल वाली हमारे नेबर पाकिस्तान ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी स्टेट ने रिसेंटली री किया है दी जनरल कंसेंट टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन

एलमेनिया मल्टीफ्लोरा एक नई प्लांट स्पीशीज सीन इन न्यूज कहाँ पर डिस्कवर हुई कौन सी स्टेट में एक एनुअल हब है ये जो ग्रो करती है टू अ हाइट ऑफ अबाउट सिक्सटी सेंटीमीटर कहाँ मिली केरला में डिस्कवर हुई ऑप्शन बी ठीक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ पूरी इसकी जानकारी अभी दी है मैंने उन्होंने एक एशियन कंट्री को लिस्ट में डाला है पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया एक कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला है एज ऑफ दी अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अपडेट तो वो कंट्री है कौन सी श्रीलंका ऑप्शन सॉरी म्यांमार सॉरी 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 ऑप्शन बी म्यांमार इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो ऑप्शन बी अच्छा विच क्रिकेटर हैज बिन अनाउंस एज द ब्रांड एम्बेसिडर फॉर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर दी ब्लाइंड इनमें से वो कौन से क्रिकेटर हैं जिनको ब्रांड एम्बेसिडर अनाउंस किया गया है फॉर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड आंसर है युवराज सिंह ऑप्शन बी तो युवराज सिंह को बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर की तरह अनाउंस किया गया है वर्ल्ड कप मैचेस जो होंगे ऑफ द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर दी ब्लाइंड वो होंगे दिसंबर में ठीक है इंडिया नेपाल बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पाकिस्तान श्रीलंका ये सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी इस वर्ल्ड कप ज द फर्स्ट प्रेजिडेंट पहले प्रेजिडेंट का नाम बताना है टू सॉल्व फॉर थ्री टर्म्स इन चाइना एक इंफ्लुएंशियल लीडर हो जाते हैं इस हिसाब से तो हिस्टोरिक थर्ड टर्म उन्होंने सिक्योर करी है द कंट्रीज उस कंट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर शी जिनपिंग ऑप्शन सी ठीक है अगला क्वेश्चन है अमन शेरावत प्लेज विथ स्पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज हांजी ंग ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है एज पर द रीसेंट डेटा इंडिया हैज हाउ मेनी एक्टिव यूनिकॉन्स एज ऑफ ऑक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑप्शन बी बेस्टू वर्ष विच इज रीसेंटली विच इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर इज ए न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट बेस्टू वर्ष एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जश्न कश्मीर एक कल्चरल फेस्टिवल है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ दिस कल्चरल फेस्टिवल जश्न ए कश्मीर बताइए जरा श्रीनगर सोच रहे हो ऑप्शन बी तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू कश्मीर न्यू होप एट श्रीनगर तो बेसिकली ये एक इवेंट तीन वीक लॉन्ग ये इवेंट है जिसका एम है ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना वहां के कल्चर को हेरिटेज को ठीक है मिनिकोय थुंडी बीच और कदमत बीच जो कि अभी ऐड हुए टू लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस ये कहां पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है लक्षद्वीप में ऑप्शन सी तो बेसिकली ये जो सर्टिफिकेशन है ये जो इको लेबल है ये दिया जाता है जो क्लीनेस्ट है वर्ल्ड के अंदर किसके द्वारा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन तो इसी के साथ इंडिया के कितने बीचेस हैं जिनको सर्टिफाई कर दिया गया है विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बारह सबसे ज्यादा बीच कहां पर है स्पेन में जिनको ब्लू फ्लैग बीचेस जो इस लिस्ट के अंदर है कितने हैं सेवन ट्वेंटी नाइन समृद्धि विथ स्टेट रिलीज दृधि वन टाइम प्रोपर्टी टैक्स एमस्टी स्कीम जहाँ के लोग जो हैं दे विल बी एबल टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट उनका जो करंट और पेंडिंग टैक्स है ऑफ द पास्ट फाइव ईयर्स फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो ये स्टेट है यूनियन टेरेटरी है बेसिकली न्यू डेली ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है वो होस्ट है अच्छा कौन सी आ, किसकी होस्ट है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज

तीन मेन एरियाज पे फोकस किया जाएगा वो तीन मेन एरियाज कौन से हैं रिड्यूसिंग एमिशन बिल्कुल करना है सब मिलके करेंगे ठीक है दूसरा कंट्रीज को हेल्प करना ताकि वो प्रिपेयर कर सके और डील कर सके क्लाइमेट चेंज से और उनको टेक्निकल सपोर्ट और फंडिंग देना फॉर टू दी डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है ये हो गई आपकी बात अब है आपका अगला क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन मैंने बहुत इन डेप्थ में यह समझाया था अच्छे से समझाया था तो क्या है इसका आंसर मस्टर्ड ऑप्शन बी जी एम मस्टर्ड को अप्रूवल मिला बाय द कमेटी फॉर इट्स कमर्शियल कल्टीवेशन ठीक है इसके अपने कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं इससे पहले बीटी कॉटन को मिल चुका है लेकिन बीटी कॉटन आप वैसे खाने के लिए यूज़ नहीं करते हो ना इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जीएम मस्टर्ड को जो मिला है दैट विल बी यूज फॉर कंजम्पशन वन विल यू आपके फूड प्रोडक्ट में यूज़ होगा ठीक है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं काफ़ी लोग इसके साइड में भी रहते हैं कुछ फेवर में भी हैं बहुत सी चीज़ें हैं इसको लेकर देखो जब आप किसी की भी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे तो ऑब्वियसली आप उसको उसमें जो जीन्स ऐड करोगे वो दूसरी क्रॉप के ऐसे होंगे मान लो कि वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो ठीक है हाई टॉलरेंस पावर हो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी जहाँ पर खाने की कमी रहती है वो सॉल्व होगा लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो आप ये चीज़ें आर्टिफिशली बना रहे हो ठीक है हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है और साथ ही साथ आप जो कंज्यूमर है उसको नहीं पता कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड से बना हुआ प्रोडक्ट है या फिर ये ऑर्गेनिक है इसके काफी मतलब एक डिबेटेबल इशू है ये तो यस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज करा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताइए यूएनएफ ट्रिपल सी ऑप्शन सी विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस न्यू एमिशन स्टैंडर्ड्स अच्छा फॉर न्यू एंड रिपावर्ड फॉसिल फ्यूल पावर्ड फॉसिल फ्यूल फायर्ड पावर जनरेशन यूनिट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नाम है सिंगापुर ऑप्शन बी ठीक है कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर किया है फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्पाइस फार्मर्स जहां पे फार्मर्स को प्रोवाइड करा जाएगा विद असिस्टेंस इन प्रोक्योरिंग द स्पाइसेस, ठीक है और पैन इंडिया मार्केट एक्सेस मिलेगा तो ये सब में आ, कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने पार्टनर किया है वो है फ्लिपकार्ट ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी सिटी होस्ट है इंजीनियर्स कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी टू की वो सिटी है त्रिवुनाथपुरम ऑप्शन सी हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट एक फ्लैगशिप इक्विपमेंट है कौन सी कंट्री का यूएसए hmm, का बिल्कुल हॉक का फुलफॉर्म है होमिंग ऑल द वे किलर तो ये यूएसए दे रहा है यूक्रेन को ताकि वो फेस कर सके हैवी अटैक फ्रॉम दी रशियन ड्रोन फायर एंड क्रूज मिसाइल्स तो यहां पर आंसर है ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन है टाइगर ट्रंफ एक एक्सरसाइज है जो की कंडक्ट करी जाती है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री यूएसए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये अभी कहा हुई आ, इन विशाखापट्टनम ठीक है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूएनएस काउंटर टेररिज्म मीटिंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू बताइए इंडिया करेक्ट कहां पर मुंबई में और न्यू दिल्ली में थीम क्या रही इस मीटिंग की काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट परपजस फोकस क्या रहा तीन बातों पे देखो टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है लेकिन उसके साथ थ्रेट भी बढ़ता है पहला जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज जो है वो इट मे बी यूज फॉर टेररिस्ट पर्पज तो उसको नहीं होने देना दूसरा पेमेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती हैं फॉर फंड रेजिंग मेथड्स वो नहीं करने देना और थर्ड अन आर्म एरियल सिस्टम्स, इंक्लूडिंग ड्रोन्स। तो ये ऑब्वियसली इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव साइड्स हैं, लेकिन इससे जो थ्रेट कॉज हो सकता है तो उसको इंक्रीजिंग थ्रेट को फोकस करना और उसको खत्म करना ठीक है विथ ग्लोबल एसोसिएशन हैज रिलीज द प्रोपोजल टू एलिमिनेट हार्मफुल पॉलिटेंट्स बाई ट्वेंटी फिफ्टी यूरोपियन यूनियन ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है नाविक एन इक्विविलेंट ऑफ जीपीएस कौन सी कंट्री ने डेवलप किया हमारी कंट्री हम इंडिया ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है सीसीआई सेट टू बी मर्ज विद विच इंस्टीट्यूशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेट टू बी मर्ज विद हां जी चार ऑप्शंस हैं एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के साथ ठीक है कौन सा हर्बिसाइड है जिसको रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है उसके यूज को फियरिंग कि वो और एनिमल हेल्थ पे एक रिस्क पोज कर सकता है करता है ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसट बेसिकली वो हरबी साइड है जिसको यूज किया जाता है स्पेशली टी प्लांटेशन में टू किल दीड्स तो इसकी मार्केट जो है वेस्ट बंगाल साइड में बहुत ज्यादा है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन ए ठीक है एज पर दोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कैनेडा रिपोर्ट विच इज द लीडिंग कंट्री ऑफ बर्थ फॉर रिसेंट इमिग्रेशन जी, ऑप्शन बी इंडिया ठीक है तो चलते हैं फिर आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन देखो क्या है विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड चाइना करेक्ट ऑप्शन बी, चाइना इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया ने रिसेंटली मार्क करी है थर्टियथ एनिवर्सरी ऑफ रिलेशन कौन से रीजनल ब्लॉक के साथ विदाउट अ डाउट एशिया ऑप्शन बी ठीक है अगला क्वेश्चन है विद स्टेट हैज बैक वर्थ करोड़ इन द न्यू एज सेक्टर अभी रिसेंटली जो सीएम है आदित्य योगी नाथ उन्होंने एक ये प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया है डाटा सेंटर के ग्रेटर नोएडा में कल ही किया है शायद गुजरात सॉरी यूपी उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाटा सेंटर क्या होते हैं बेसिकली एक ऐसा एक ऐसा स्पेस देखो एक ऐसा डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग इक्विपमेंट जो हैं वो होंगे किस लिए स्टोरिंग प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा तो डेटा सेंटर हब बना सकते हैं हम ठीक है जो कि डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा तो इसका सही आंसर भी आपको बता दिया है ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क इनोग्रेट हो चुका है और पाँच हजार करोड़ मेगा का प्रोजेक्ट का ये पार्क जो है यस इसमें इक्विपमेंट्स होंगे टू स्टोर प्रोसेस एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ कनेक्टेड वर्ल्ड ये थीम है कौन सी ब्लॉक के एनुअल मीटिंग की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां है बीजिंग में कितने मेंबर कंट्रीज हैं करंटली 105 इंडिया का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है नहीं चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर द बिगेस्ट शेयर होल्डर इंडिया है सेकेंड नंबर पे ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी सिटी होस्ट है इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका की बताइए क्या लगता है आंसर ऑप्शन सी डाकर ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज दईआर कमेटी सेटअप फॉर इंक्रीजिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हुड ऑफ द कमेटी राकेश जोशी ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये देखो ये स्टेट बर्ड है कौन सी स्टेट का कौन सी यूनियन टेरिटरी का कोई स्टेट भी हो सकती है मतलब यहां तो स्टेट ही है राजस्थान करेक्ट ऑप्शन बी न्यूज में है क्योंकि अभी सपोर्ट uh, किए गए हैं इनकी बेसिकली uh, ये कुछ पाकिस्तान में भी तो एनवायरमेंटली सस्पेक्ट करते हैं माइग्रेशन ऑफ दीज बर्ड हुई होगी इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन के अंदर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड आयु स्टेटस है सी में अपेंडिक्स वन में है और राजस्थान का स्टेट बर्ड है ठीक है फर्स्ट पेसिफिक कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सी है वो न्यूजीलैंड नहीं है फिजी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगला क्वेश्चन कहता है कि माना पास विच वॉज सीन इन द न्यूज ये कहां पर है कौन सी स्टेट में है हम्म, उत्तराखंड के अंदर तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये देखो मैप में उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है ये माना पास ये रहा ठीक है हाउ मेनी कंट्रीज आर दी पार्ट ऑफ लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज एटीन ऑप्शन बी ठीक है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन कहता है कि सिम्बेक्स एक मेरी टाइम एक्सरसाइज है अच्छा इंडिया है एक तरफ तो और दूसरी तरफ कौन सी कंट्री है वो आपको बताना है सिंगापुर सोच रहे हो क्या अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो तो यही इसका आंसर है एंड अभी विशाखापट्टनम में होगी हुई और इंडियन नेवी होस्ट कर रही है इसको ये ट्वेंटी नाइन्थ एडिशन है इस एक्सरसाइज का तो दो फेजेस के अंदर होगा पहला हार्बर फेज एट विशाखापट्टनम उसके बाद सी फेज एट बे ऑफ बंगाल ठीक है ये सीरीज कब शुरू हुई थी एक्सरसाइज 1994 में पहले इसको क्या बोला जाता था एक्सरसाइज किंग इंपॉर्टेंट है याद में रखना सिंगापुर ऑप्शन डी अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू कम अप इन विथ सिटी द राइट आंसर इज वडोदरा ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है तेराई एलिफेंट रिजर्व हैज बीन अप्रूव टू बी सेटअप कौन सी स्टेट में जो कि उस स्टेट का सेकंड एलिफेंट रिजर्व होगा और इंडिया का थर्टी थर्ड एलिफेंट रिजर्व पर लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इज अ सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ विच कंट्री तो वो कंट्री है कौन सी इंडिया ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो एनबीडीएस से जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सेटअप करी गई बाय एनबीडीए न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन जो कि सर्व करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव किसकी ऑफ दी प्राइवेट टेलीविजन न्यूज करंट अफेयर्स डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की ठीक है ऋषि के सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर तो हो गए ऑफ विच कंट्री बहुत ही फेमस न्यूज यूके ऑप्शन सी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रोल्ड आउट न्यू डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट वेव बेसिकली इट इज फॉर एनहैंसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन बैंक ऑप्शन बी विथ स्टेट रिसेंटली अचीव हंड्रेड परसेंट टैप वॉटर कनेक्शन इन द रूरल एरिया जल जीवन मिशन बताओ कौन सी स्टेट है वो गुजरात करेक्ट कब लॉन्च किया था यह मिशन प्राइम मिनिस्टर ने दो हजार उन्नीस में परपज क्या था टारगेट क्या है टू मेक अवेलेबल कितने लीटर पानी फिफ्टी फाइव लीटर ऑफ वॉटर पर पर्सन एवरी डे टू दूरल हाउस होल्ड कैसे टैप कनेक्शन के थ्रू बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक ठीक है गुजरात शौर्य दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में कब वेन इज शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया शौर्य दिवस को सेलिब्रेट करते हैं टू कोमेमोरेट दी सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ एयर लैंडेड ऑपरेशन जो कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में इशू हुआ था लड़ाई हुई बेसिकली जब पाकिस्तानी फोर्सेज को इवेक्ट किया इंडियंस ने फ्रॉम दी जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद जब ये हुआ तो एयर लैंडेड ऑपरेशन हुए ठीक है जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का उस टाइम की बात है ये तो यस एयर लैंडेड ऑपरेशन हुए एंड कहाँ पर बुदगाम एयरपोर्ट में तो उसको कोमेमोरेट करते हुए सेवेंटी फिफ्थ शौर्य दिवस को सेलिब्रेट किया गया ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को कहाँ पर श्रीनगर के अंदर ठीक है एज पर एस्टिमेट ऑफ हॉटिकल्चर क्रॉप फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एस्टिमेट प्रोडक्शन क्या है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की थ्री फोर्टी टू पॉइंट थ्री थ्री मिलियन टन ऑप्शन सी और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल है इनोग्रेट किया गया कौन सी स्टेट में वो स्टेट है या यूनियन टेरेटरी उसका नाम है लद्दाख ऑप्शन बी ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपके साथ पूरी मंथ की कंपाइलेशन जो है अक्टूबर मंथ की करी है मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना डेली करंट अफेयर सेशन ज़रूर देखा करो थैंक यू एवरी वन आई आर जू विश एवरीबडी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टेक केयर